So I have written it correctly. Cycled 10 km parallel to the road surface and then sailed 10 km normal to the road surface. Yeah, so what exactly normal means? Perpendicular. Why you remembered now? Is it written over there? No, sir, actually I just saw the diagram, so I came to know. तो उसी बात नहीं, ये तो है ना यार, कल कल किया था और आज अगर किसी ने पूछ लिया तो यू हैड टू अगेन लुक इनटू इट माय डियर. ये नहीं होना चाहिए. एक 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 सी वन थिंग, इट्स नॉट ओनली यू, मेनी स्टूडेंट्स मस्ट बी हैविंग थिंग इन द माइंड, बट समवेयर और द अदर स्टूडेंट्स आई एम ट्राइंग टू पुट इट वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू ऑल. दिस इज नॉट टू वन और टू स्टूडेंट्स, ये सबके लिए मैं बता रहा हूँ कि जो भी हम पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, नॉट नॉट जस्ट फॉर द सेक ऑफ डूइंग इट. प्लीज डोंट डू स्टडीज फॉर द सेक ऑफ डूइंग इट. ऐसा मत करो जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट. यू वॉट एवर यू डूइंग इट, ट्राई टू रिकलेक्ट, रिमेंबर इट. और जब भी हम कुछ करते हैं ना स्टूडेंट्स, जो भी एक्सप्लेनेशन होता है कोई भी टीचर द्वारा, इट्स फिजिक्स, इट्स केमिस्ट्री और मैथ्स, टेक इट फ्रॉम मी, आई एम टेलिंग यू वेरी क्लियरली, द नंबर ऑफ पेजेस वॉट वी डू इट इन 2 hours इज नॉट टू मेनी स्टूडेंट्स. ऐसे नहीं कि 8-8, 10-10 पेजेस तुम्हें सिखा दिए मॉड्यूल्स के या तुम्हारे टेक्स्ट बुक के. No, in 2 hours hardly we go from 2 to 3 pages, maximum 4 तक जाते, उसके beyond हम लोग नहीं, क्योंकि because we need to make you all understand in that case. And one chapter is not of 7 or 8 or 15 as if we consider in your 10th standard. एक chapter तुम्हारा 15-18 chapters का pages का था, कहाँ कहाँ पे तो 20 pages चले जाते थे. यहाँ पे one chapter can go to 25 pages students. We have to go slowly. So if in case when we are going slowly and we do hardly 3 or 4 pages in these 2 hours, the students, is the amount of matter done with you all is too many things? No. तो जो 2 घंटे का काम हम लोग करते हैं वो तुम वापस बैठो ना, अगर तुम सिंसियरली बैठोगे तो वही चीज तुम्हारी उसी दिन 1 घंटे में हो जाएगी. So the students, ये follow up करना कि if in case अगर तुम्हें शेड्यूल दिया जाता है और वहां पे तुम्हें 4 घंटे के लेक्चर्स है, तो 2-2.5 hours यू गिव इट बैक फॉर द सेम सेशंस ऑन द सेम डे. फिर नेक्स्ट सेशन के 2-2 hours, 2.5 hours दे दो. कल कौन सा लेक्चर है उसके बारे में पढ़ो. यानी टोटल तुम्हारा होना चाहिए 6 hours ऑफ स्टडीज. 2 hours जो प्रेजेंट आज का दिन, 2 hours जो कल का है, उसके अलावा 1-1.5 hour तुम्हारी खुद की प्रैक्टिस होनी चाहिए कि तुम कितना सॉल्व कर. This is how your pattern of study should be. So certainly students, तुम excess pressure में नहीं आओगे, backlog create नहीं. Okay, so this is a set of example I'm trying to put forward. That was a question I did it, and that was based on your so-called resolution of vectors. Now the students who have joined in new, okay, 12 students. I'll just give you a brief idea regarding this. हम लोग जा रहे थे resolution of vectors. अब ये हम vectors को resolve कर रहे हैं. यानी अगर कोई भी वेक्टर तुम्हें दिया होगा स्टूडेंट्स, अ वेक्टर इज हैविंग अ व्हाट रिप्रेजेंट बाय टेल एंड अ हेड. अगर सपोज मैंने ये वेक्टर ए दे दिया है तो इस वेक्टर को मुझे रिजॉल्व करना है, तो स्टूडेंट ए बोलेगा सर रिजॉल्व करना है, नहीं क्या करना है आपको, आपको इस वेक्टर को 2 parts में करना है, लेकिन वो दोनों वेक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो. यानी सपोज एक स्टूडेंट उस वेक्टर को, लिसन केयरफुली स्टूडेंट्स, one of the students will resolve such that he takes one vector in this direction. He takes one vector in this direction. इसको one vector को इधर, इसी का perpendicular कहाँ पे होगा? If you look over here, इसी का perpendicular ये होगा, exactly at 90 degree. यानी this is the resolution of vectors. You have broke this vector into 2 vectors, but students look over here, ये vector देखो और ये vector देखो, what angle do they form? The 90 degree. That means the 2 vectors are mutually perpendicular. This is 1 and this is 2. Now, if ye ek student ne aise kiya, wapas main iska rediagram draw karta hu. Exactly same vectors. Isi ke niche mein draw kar raha hu. Dekho students, length same hai. Kahan se sunna? Dono vector ki length same hai. Direction bhi same ja raha hai. तो जो वेक्टर्स का लेंथ सेम है यानी मैग्नीट्यूड सेम है, स्टूडेंट्स, न्यू स्टूडेंट्स, जिसका लेंथ सेम है उनका मैग्नीट्यूड भी सेम है, उनका डायरेक्शन लोगों को भी डायरेक्शन भी सेम है, स्टूडेंट्स, व्हाट एग्जैक्टली दीज वेक्टर्स आर कॉल्ड एज, कैन आई कॉल देम इक्वल वेक्टर्स? यस स्टूडेंट्स,
rest of them? Yes, sir, you can. Yes, we can call them equal vectors. What are equal vectors? Equal vector students are those vectors which are equal in magnitude and they are in the same direction. अगर मुझे मैग्नीट्यूड लिखना है तो मैग्नीट्यूड कैसे लिखूंगा? मैंने लास्ट टाइम लिखा था चीटन मॉडुलस ऑफ ए डाल दो और सिंपली ए. एग्रीड? मॉडुलस ऑफ ए डाल दो, सिंपली ए डाल दो, तो दैट इज देयर इक्वल वेक्टर्स आई कैन कंसीडर. और दोनों का डायरेक्शन सेम है. अभी देखो एक स्टूडेंट ने इसको रिजोल्व किया, वेक्टर ए को रिजोल्व किया दो वेक्टर्स में जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर है. लेकिन कोई दूसरा स्टूडेंट होगा उसको उसको कैसे करना है? ही वांट्स टू गो इन दिस मैनर. उसने इस एक वेक्टर को इस तरफ लिया ना. अगर सबको ध्यान से सुना, इसी को मुझे परपेंडिकुलर करना है तो देखो परपेंडिकुलर कहां पे जा रहा है स्टूडेंट्स? परपेंडिकुलर तो ऐसे जा रहा है, ये परपेंडिकुलर जा रहा है, ये 90 हुआ. तो क्या मैंने इसको रिजॉल्व किया? नहीं स्टूडेंट्स. रेजोल्यूशन का मतलब क्या? ये तुम्हारा वेक्टर उन दो वेक्टर्स के बीच में होना जरूरी है और है. दैट इज नॉट कॉल्ड रेजोल्यूशन. दैट मींस यू आर ट्राइंग टू ब्रेक दिस वेक्टर into two vectors and those two vectors are mutually perpendicular, thereby this vector should come inside it. So, देखो ये तो बात चला गया, यानी तुम्हारा ये नहीं होगा, ये तुम नहीं ले सकते हो. तो अगर तुम ये नहीं सकते ले सकते तुम क्या करोगे? सर इसका हम डायरेक्शन चेंज करते थोड़ा सा. अगर सपोज मैंने अगर एक वेक्टर ऐसे ले लिया, agreed? तो इसी का perpendicular कैसे? Now it can go in this direction. See? So can I say, I have broken this vector into two vectors. How are these two vectors? Now look students, how are these two vectors? So they are mutually perpendicular to each other. Yeh hua mera vector one, yeh hua mera vector two. Aur yeh jo one, two hai, vector one and vector two. What are these are? These are called orthogonal vectors. Anybody can tell me what are orthogonal vectors, students? Rectangular. Pardon? Rectangular. Very good, very good. Perpendicular vectors. See, a new student has answered in this case. Again, Parth has answered. Parth, you are the one? Yes, sir. Okay. So these are perpendicular vectors. Absolutely clear. These are which vectors? These are orthogonal. Yani yahan pe tum dekhoge to 1 and 2 are perpendicular to each other. Waise hi yahan pe bhi to 1 and 2 hai. 1 and 2 yahan pe bhi hai. Aur 1 and 2 wahan pe bhi hai. Ye dono perpendicular vectors hai. Now, तीसरा स्टूडेंट है, तीसरे नंबर के से मुझे 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 यही वेक्टर को अलग तरीके से ब्रेक करना है. कौन सा सोचा? ये वेक्टर लिया मैंने, ठीक है, सेम मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन, बट नाउ आई वांट टू ब्रेक इनटू टू वेक्टर्स. तो एक वेक्टर को मैं ऐसे बताता हूँ, दूसरा वेक्टर मैंने यहाँ पे ले लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं. ये मेरा वेक्टर वन हुआ, ये मेरा वेक्टर टू हुआ. हाउ आर दीज टू वेक्टर्स? म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर. तो कहने से 1 and 2 are also called as orthogonal vectors. Kya ye clear hua students? Is this clear with everybody? Yani resolution ke liye hum we are trying to resolve a given vector into two vectors mutually perpendicular to each other. Now those students who are present in the session, students, to explain this, what example I picked up of physics? Sir, anyone? 9th standard one, wherein we had a toy cart pulling along a diagonal, like a diagonal of a... Absolutely correct. Students who are from CBSE and SSE certainly have valid in 9th chapter work power energy, a toy cart. See, remember the diagram also. Okay, where students of class 10th, they have already for ICSE, they have done in chapter work power energy. Students, yehi concept maine in students ko bataya tha, aur ye tum log padh chuke jo naye students hai na, saaron ne padha hua hai. किसी ने नाइन्थ में पढ़ा हुआ है, किसी में टेंथ में. देखो जस्ट जस्ट वन मोर 5 मिनट स्टूडेंट्स, फिर हम साथ में सेल करेंगे. ये तुम्हारा हॉरिजॉन्टल सरफेस है, सोचो कि तुम्हारा बैग है, लगेज बैगेज है, ठीक है, और इसको मुझे हॉरिजॉन्टली मूव कराना है. यानी मेरा जो डिस्प्लेसमेंट है स्टूडेंट्स, बैग का जो डिस्प्लेसमेंट है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, बैग को मुझे इस डायरेक्शन में जाना है. लेकिन बैग का हैंडल यहाँ पे है, तो मैंने क्या किया, मैंने फोर्स इस तरफ लगा दिया. ये मेरा फोर्स है. क्या फोर्स वेक्टर है? हाँ सर, फोर्स वेक्टर है. अभी स्टूडेंट्स मुझे ये बताओ, इज योर फोर्स, लिसन केयरफुली स्टूडेंट्स, दैट्स व्हाई टाइम्स आई स्पीक इन हिंदी आल्सो, सो दैट यू शुड गेट द कंसेप्ट वेरी प्रॉपर.
That doesn't mean that one cannot take the entire, I can take the entire sessions in English, but somewhere or the other, the words Hindi, we use it for what reason? So that students can get the concept more properly. You know, students, very important. If you try to understand your studies and your subjects, take it from me, in your mother tongue, you'll excel much more better. You'll surely excel much more better. English is very important. You need to understand the statements very properly. But followed by it, your conceptual understanding should go the way you use the language at home. So now to go ahead with it, look over here. This is a force. Look at the force and look at the displacement, students. ये देखो force और displacement क्या तुम्हें एक direction में दिखाई दे रहा है? The new students also, new students who are, can you reply? क्या ये force और displacement एक direction में है? No, they are not in the same direction. Force is in northeast and displacement is in east. Yes, that means this we consider is at an angle theta. Are you getting it? और ये हो तुम्हारा center of the back. तो मुझे बताओ अगर force और displacement एक direction में नहीं है and if I want to go for work to be done, then we know, students, work is said to be done. Dhyan se suna, I'm speaking about the definition. Kisi ne 9th standard mein padha hoga definition, kisi ne 10th standard mein padha hoga definition. To usi ko main wapas dohra raha hoon 11th mein. Usi ke basis hamara pura ye concept jata hai, resolution ka. So work is said to be done when the force applied on a body produces displacement. And very important, we need to consider the displacement taking place in the direction of the applied force. यहाँ पे force और displacement एक direction में नहीं है, तो मैं क्या करूँगा? क्या करूँगा? Sir, force displacement के एक direction में नहीं है, तो ऐसा करते ना sir, आप force को resolve करो, आप force को resolve करो, दो vector में, जैसे यहाँ पे आपने एक vector को दो vector में तोड़ा है, वैसे यहाँ पे तोड़ो ना. If I try to break this vector into two vectors, mutually perpendicular, देखो, एक vector मेरा displacement के direction में जाएगा, और दूसरा vector इसी को perpendicular हो गया, तो कहना ऐसे, ये देखो, ये मेरा vector one हो गया, ये मेरा vector two हो गया, are these two vectors called orthogonal vectors? Yes, the orthogonal vector. Yeah. मैं इसको रिजॉल्व कर रहा हूँ, आई एम रिजॉल्विंग फोर्स इनटू टू वेक्टर्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर. लेकिन अभी सपोज मुझे इसको इसको लिखना है, मुझे ये वेक्टर को लिखना है फोर्स में, तो कैसे लिखूंगा? तुम बोलोगे सर ऐसा करते हैं ना, ये एंगल थीटा है, आपको ये वेक्टर को डिनोट करना है, तो कैन आई कंसिडर एज इफ आई हैव ड्रॉप अ परपेंडिकुलर, आई हैव ड्रॉप्ड अ परपेंडिकुलर. ध्यान से सुनना, आई हैव ड्रॉप्ड वेक्टर एफ, अगेन आई एम रिपीटिंग, आई हैव ड्रॉप्ड वेक्टर एफ perpendicular to the displacement. Listen, students, carefully. I've dropped vector F, perpendicular displacement. The students, have a cos theta. Kya ho jayega? So cos theta ho jayega adjacent side. Upon kya ho jayega? Hypotenuse. Adjacent side, mujhe chahiye. Hypotenuse, mujhe malum hai. Hypotenuse kya sir? Force hai. So can you tell me what is my adjacent side? Adjacent side, students, will be F cos theta. अभी देखो, यही force को अगर मैंने perpendicular drop कर दिया, तो अभी देखो मेरा ये vector कैसे लिखूँगा मैं? F cos theta. अभी मुझे बताओ, students, क्या F cos theta? Everybody, please listen carefully. क्या F cos theta जो ये vector है? क्या वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में जा रहा है? अरे हाँ सर, ये तो दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहा है. तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर वर्क? सो द फॉर्मूला फॉर वर्क विल बी इक्वल टू एफ कॉस थीटा इनटू एस. अरे पता चला, व्हाट मेड यू टू लर्न दिस फॉर्मूला इन क्लास 9th एंड क्लास 10th? मुझे बताओ स्टूडेंट्स, दो स्टूडेंट्स हु हैव जॉइंड इन न्यू, क्या ऐसा कोई फॉर्मूला तुम लोगों ने 9th में या 10th में पढ़ा हुआ है? चैप्टर वर्क पावर एनर्जी. If you recollect, yes, all sir. Those new students, I'm speaking to the new students. Yes, sir. Done. You have done such kind of it? Yes, Alisha is also saying it, yes. So this is what the concept, students. That is, when you try to, yani tumne kuch padha hua hai,
तुमने तुम्हें कुछ पढ़ा हुआ स्टूडेंट्स कहाँ पे लोअर स्टैंडर्ड में, लेकिन नाउ Nishant, Nishant, I'm not trying to, I'm using the word resolution, resolving. I'm trying to resolve that vector. Breaking in the sense, that means I'm trying to resolve it. It's not like that I'm breaking that vector. I'm not using a scissor to break it. Okay? I'm not using a scissor to break it. I'm trying to resolve this vector, and that resolution goes with respect to your trigonometrical term. So, agar ye f hai, ye f cos theta hoga. अच्छी तरह से करता हूँ मैं ये तुम लोग कुछ मानते हैं ये कंसेप्ट तुम्हारे नाइन्थ और टेंथ में था. तुम लोगों ने कभी भी किसी ने भी वहां पे टीचर्स को ये क्वेश्चन पूछा ही नहीं है, तभी जाके आज प्रॉब्लम आ रही है. ये रेजोल्यूशन को समझ में प्रॉब्लम आ रही है. आई एम टेलिंग यू वेरी क्लियरली नोबडी आस्क्ड दिस टू योर टीचर्स एंड दैट्स व्हाट द प्रॉब्लम इज क्रिएटिंग राइट नाउ. अभी देखो इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी. ये एफ कॉस थीटा होगा, मुझे बताओ स्टूडेंट्स ये वर्टिकल का क्या होगा, इसका ये कौन सा होगा. तो मतलब सर जैसे आपने यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है, अगर मैं यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूंगा, यानी सर ये तो रेक्टेंगल हो गया, यानी ये साइड इससे कॉन्ग्रुएंट होगी और ये साइड इससे कॉन्ग्रुएंट होगी. एब्सोल्युटली करेक्ट. यानी सर अगर मुझे ये चाहिए तो मैं सामने का साइड निकाल सकता हूँ. व्हाई नॉट, व्हाट एग्जैक्टली साइन थीटा इन दिस राइट एंगल ट्रायंगल विल बी, व्हाट इज साइन थीटा सर, ऑपोजिट साइड upon hypotenuse. So students, what will be the opposite side? What is the opposite side? F sine theta. So can I say my F sine theta will be this? That means now when you look over here, I had my force acting in this direction, students. Ye tumhara force is direction mein tha. Maine kya kiya? Is force ko maine resolve kiya. Kaise? Do components mein. It was forming an angle theta. Displacement isi direction mein ja raha tha. लेकिन मैंने फोर्स को दो वेक्टर्स में रिजॉल्व किया. एक था f cos थीटा जो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में जा रहा था, दूसरा f sin थीटा जो वर्टिकल है. इन दोनों वेक्टर्स को मैं क्या बोलूंगा, ये दो वेक्टर्स को क्या बोलते हैं, दीज आर ऑर्थोगोनल वेक्टर्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर इन गिवन प्लेन. वन इज अलोंग x एक्सिस जिसको मैं लिखूंगा i कैप, वन इज अलोंग y एक्सिस जिसको मैं लिखूंगा j कैप. Now when I speak about, listen carefully students, now when I speak about the concept, the actual concept, a simple problem we are taking it, students. All the new students, hope you are listening to me very clearly, because somebody put forward, sir, how can you break it? Listen carefully. I'm giving you a simple question, how to understand this with a problem. Everybody be with me. The answer suna students. Wapas ye example leta hai. Ye part mai erase kar deta hu, iski zarurat nahi hai. रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, वी हैव गॉट इट, वी आर ब्रेकिंग इट ऑफ वेक्टर्स इन टू वेक्टर्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर. So let us take a simple example. The answer is now. Same example मैं ले रहा हूँ. Suppose ये trolley था, okay? ये trolley हमें move कराना है horizontal, students. Listen carefully. Are you getting it? Now suppose if I say that you are applying a force of 20 newton. तुमने 20 newton का force apply किया और पहले केस में तुमने horizontal force दे दिया. The answer सुना students. तुम इस trolley को तुम ऐसे horizontally push करते हो. कितना force apply किया? 20 newton का. And this particular body undergoes a displacement of 10 meter. So, mujhe batao students, what is the work done in this case? Ye to sabko malum hona chahiye. Sab log ne 9th mein 10th mein padha hai. Work ka formula kya hoga? Tumhare jaise force into displacement. Ye sabko pata hai. All the students, is this formula known to you? Work is force into displacement. Everyone, do reply. Yes, sir. So force kitna hoga? 20. Displacement is 10. What's my answer? 200 newton meter ya 200 joule? Kya ye clear hua? Ye clear hua?
नाउ अभी यहाँ पे ऐसे बैगेज को हैंडल देने की जरूरत क्यों पड़ी? ऐसे बैगेज को हम हैंडल क्यों दे रहे? अगर ये बैग था तो ऐसे मैं कुछ कर सकता था। द फोर्स इज इन द सर आपने डेफिनेशन बोला दैट द फोर्स शुड बी इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। जैसे आपने यहाँ पे बोला जैसे डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो हमने पुश किया उसी डायरेक्शन में तो 200 जूल था। तो सर हैंडल लगाने की जरूरत क्या पड़ी? आपको हैंडल लगाने की जरूरत क्या पड़ी? एनीबडी कैन टेल मी हैंडल लगाने की जरूरत क्या पड़ी? यस स्टूडेंट्स, तो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड, लेट अस अंडरस्टैंड। अभी सपोज तुम हैंडल लगा रहे हो, ध्यान से सुनना, तुमने हैंडल लगा दिया, डिस्प्लेसमेंट इस तरफ ही जा रहा है। Agreed? And now if I say that abhi tum jo abhi suppose the same force you applying, please same force tum apply kar raho abhi luggage package ko aise kis ke leke ja raho, trolley hai, I get it, you are pulling in this direction. So dekho tumhara bhi dekho baggage is taraf ja raha hai. Let us say that the force is 20 newton only, tum wahi force apply kar raho, but now your force and displacement students dono ek direction mein nahi hai. ये सोच मैंने दिया है कि इनके बीच में एंगल 60 डिग्री होगा, तो जैसे 60 डिग्री हुआ तो हमारा फॉर्मूला क्या आया वर्क का? सर हमारा फॉर्मूला आया वर्क का, आपने बोला यहाँ से इसको ड्रॉप कर दो, हमने कंपोनेंट ले लिया एक्स कॉस थीटा, इसको हम बोलेंगे कंपोनेंट। ये कंपोनेंट ऑफ फोर्स किसके डायरेक्शन में? सर डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में। अब देखो फोर्स डालो, फोर्स कितना है 20 न्यूटन, फ्रेंड्स कॉस 60, cos of 60, सब लोगों ने 10 स्टैंडर्ड में पढ़ा है, all the students who are into the lectures, everybody knows the value of cos 60 learned in mathematics, trigonometry. What is the value of cos 60 students? 1 upon 2. 1 upon 2, हाँ. How much is the displacement? Displacement कितना है? 10 meter. Can you give me the answer for this? What is the answer for this? 100. 100 joules. Now see. Exactly half. आ गया तुम्हारी difference? आगे तुम्हारे डिफरेंट, यानी स्टूडेंट्स जब भी तुम ऐसा पुश कर रहे थे ना, यू वर कंज्यूमिंग मोर एनर्जी, द अमाउंट, ध्यान से सुनना, द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द बॉडी इज इक्वल टू द एनर्जी कंज्यूम्ड बाय दैट बॉडी। दैट मींस सपोज इफ यू आर डूइंग अ वर्क ऑफ 200 जूल स्टूडेंट्स, यू आर हैव कंज्यूम्ड दैट मच अमाउंट ऑफ एनर्जी, उसके लिए ज्यादा वड़ा पाव खाना पड़ता है। यहाँ पे कंजम्पशन ज्यादा हुआ तो ज्यादा वड़ा पाव, ज्यादा बर्गर है ना, ज्यादा एनर्जी चाहिए। लेकिन वही अगर तुमने हैंडल बिठा दिया, तुम्हारा फोर्स तो 20 न्यूटन है स्टूडेंट्स, फोर्स में चेंज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हुआ क्या है? अरे सर वर्क डन इज 100 जूल्स एंड दिस वर्क इज डन अगेंस्ट व्हाट? अगेंस्ट व्हाट? सर ये व्हील्स है, ध्यान से देखना, ये व्हील्स है, जैसे आगे मूव होगा एक फ्रिक्शन भी तो होगा, यानी यहाँ पे जब तुम हॉरिजॉन्टली मूव कर रहे हो तो यू आर डूइंग वर्क अगेंस्ट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, लेकिन यहाँ पे ज्यादा काम हो रहा है और यहाँ पे कम काम हो रहा है। तो स्टूडेंट्स मुझे ये बताओ, तुम अगर बैग खरीदने जाओगे तो क्या तुम बिना हैंडल वाला बैग खरीदोगे या हैंडल वाला बैग खरीदोगे? हैंडल वाला। आ गया तुम्हारा लॉजिक समझ में आया? अभी ये समझ में आया क्यों हमें पढ़ना पड़ता है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स? यानी दिया था हमें फोर्स एक, लेकिन उसको मैंने तोड़ा दो में। अभी तुम बोला सर आपने एक को तोड़ दिया, तो तोड़ने का मतलब प्लीज कैची से काटा नहीं है, आई हैव रिजॉल्वड इट। That means one is F cos 60, other one is F sin 60. F sin 60 क्या होगा? सर F sin 60 तो throughout, जब ये bag आगे जाएगा student, ध्यान से सुनना, जब ये baggage आगे जाता रहेगा, आगे जाता रहेगा, आगे जाता रहेगा, F cos theta और S एक direction में होंगे, लेकिन ये जो F sin theta होगा ना students, वो हमेशा किसको balance करेगा? Baggage का weight. Are you getting this, students? Are you getting this? ये F cos theta S के direction में होगा और ये F sin theta हमेशा हमेशा weight को balance करता रहेगा। ये दोनों balancing force हो गए, यानी इसका तो effect ज्यादा होगा नहीं, यही ये होगा जिससे तुम्हारा baggage आगे जाएगा। तो हमने क्या किया students? Force was given to you. मैंने इसके दो components लिए, दो components, यानी पहला component मैंने कौन सा लिया? मैंने लिया F cos theta, दूसरा लिया F sin theta, F cos theta displacement के direction में गया, वो along x axis ले लिया, तो मैंने उसको i cap लिख दिया, F sin theta y axis पे लिख दिया, that is along j cap.
Is this clear now, resolution of vectors? Sir, is it because of that that we don't write the vector bar over w and f is cos theta and f Yeah. Yeah, because it's magnitude of force which because takes they all place is in the magnitude. direction of displacement. Answer na, Upendra. It's a magnitude of force which takes place in the direction of displacement. And since the magnitude of force and the displacement are in the same direction, we can rule out the arrowhead. Upendra, just tell me this. You have learned equations of motion in class 9? Yes, sir. Can you tell me all the linear equations of motion in a straight line? First equation, v is equal to u plus a t. Second, s is equal to u t plus half a t squared. Good. And the last one is v square is equal to u square plus 2 a s. Did you use an arrow over here? No. But are all vectors? Yes. Now you have learned it. What except exactly? For time. Except for time. Time is it. But what exactly reason for not using arrow? Did you because ask this question to your teacher? Not at that time. But now, what is the reason behind it? Do you remember or do you recollect? क्या हो सकता है? Sir, because the displacement and the acceleration and also the velocity, they are all in a same direction. So we can and if you read the statement, अगर उपेंद्र अगर तुम्हें time मिले, तो वापस 9th standard की textbook खोलना, इसका heading पढ़ना, ये derivation का heading पढ़ना. Heading लिखा हुआ था, derive the three linear kinematic equations or the three equations of motion for a body moving along a straight line with uniform acceleration. Uniform acceleration, that means the acceleration remains constant, the velocity goes on increasing, but the direction of displacement, direction of velocity, direction of acceleration, sare vectors ek hi direction mein jaate hain. ये है तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट, जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी होगा, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगा उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा. यानी सारे वेक्टर्स जब एक डायरेक्शन में होते हैं ना स्टूडेंट्स, तो हम उनका एरोहेड को निग्लेक्ट कर देते हैं, तभी जाके वी से दैट वी आर टेकिंग ओनली द मैग्नेटिक ऑफ इट. तो यहाँ पे भी बहुत स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन था 10th स्टैंडर्ड में कि सर जब ये आप वर्ब को लिखते हो फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, ये बहुत सारे टीचर्स ने लिखा होगा, फोर्स इज अ वेक्टर बचा लोग, डिस्प्लेसमेंट इज अ बचा लोग वेक्टर, लेकिन वर्ब स्केलर. तो उस टाइम पे तुमने पूछा भी होगा तो तुम्हारे टीचर ने बोला होगा कि सिंस फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ ऑफ देम आर इन द सेम डायरेक्शन, देयरफॉर वर्क इज अ स्केलर. यानी हमें उनको सेम डायरेक्शन में करना है, सेम डायरेक्शन. अभी ये सेम डायरेक्शन में नहीं था, उसको सेम डायरेक्शन में मैंने कैसे किया, इसका कंपोनेंट ले लिया. तो ये जो एफ कॉस थीटा हम बोलते हैं ना, इसको कैसे बोलते हैं, कंपोनेंट ऑफ फोर्स. स्टूडेंट्स, कॉस थीटा इज द कंपोनेंट ऑफ फोर्स, किसके डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट में, अलोंग एस. रिया, कॉस थीटा इज अ कंपोनेंट, कंपोनेंट ऑफ फोर्स अलोंग एस. अगर मैंने पूछा व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ फोर्स अलोंग एस, F cos theta. What is the component perpendicular to S? F sin theta. Is this clear with everybody for resolution? The answer is now, this is a resolution of a given vector into two vectors mutually perpendicular to each other. That is into two orthogonal vectors. Is this clear with everybody? Yes. Not the present students, also all the new students, also those who are new. Can you raise your hand if you have understood? Just raise your hands. I want to know it. अगर कुछ भी नहीं समझ में आता होगा, तो please do reply. All the students, there are around 12 students, 13 students, whatever it is. Are you all getting it? Jason is getting it. Nishant is getting it. Pratham, Mayur, Umed, Prithi, Shubham, good. Prajwal, Avnet, Arman, Pratham, very good. Very good, very good, very good. And the present, the old students. Any everyone is getting it? Jo bhi hamare purane, that is all the students, rest of them? Yes. Are you getting it? Yash, Van, Shupain, Upendra is getting it. Swapnils, Soham, Smith. Smith is will be good, fine enough. Smith, are you getting it? Yes, sir. Shri, what about you, Shri? Are you getting it? Yes, sir. Okay, fine. Nand Gopal, are you there, Nand Gopal? Because I can't see your mic over here. Nand Gopal, can you hear me? Can you see me?
His audio is not connected, sir. Yeah, that's why he's not there. So I'm just posting to him. If no mic, you are out. If no mic, please, this is what I always do. If no mic, I post a message to that person and I wait for 5-10 minutes. If no mic, then out. Because this is what it is. If the audio is not there, what exactly it means? You know, students, the student has just joined in and lingering here and there. This is not the way to do studies. Okay, students, put your hand down. Put your hand down. Okay, so this is resolution of vectors. Now, suppose if I want to, if I put down, can I erase this part? Ye erase kar sakta hu main? Yes, sir. Abhi suppose isi ko hum vector form mein likhte to kaise likhenge? Dances milna. Main sirf vector form mein likh raha hu ye part. Dances milna. Hamara vector tha f. Okay. ये f था तो कैन आई रन दिस f को मैं लिख सकता हूँ अलोंग x एक्सिस अलोंग y एक्सिस एग्री मैंने मैंने आई हैव ब्रोकन इनटू टू वेक्टर्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूजिंग ट्रायंगल लॉ सी दिस इज f एंड दिस इज f y टेल है टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर द हेड ये ट्रायंगल लॉ हुआ तो fx plus fy आ गया नाउ इफ आई राइट डाउन दिस सेम थिंग इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर तो fx को कैसे लिखूंगा सी fx इज ध्यान से सुनना F cos theta iota. Look over here. Fx. This is fx, huh, students? Ye vector hai, students. Ye magnitude hua. Aur ye direction hua. Dekho. Fx is f cos theta vector. A vector is always defined as a product of magnitude and direction. Magnitude is f cos theta. Direction is i cap. Ye kya hoga? Sir, ye aapka fy hoga. Along y axis. Ye hoga f sin theta along j cap. So can I write on this as f sine theta j cap? ये किसमें मैंने लिखा? Unit vector form में. यानी students हमेशा ये बहुत important है, ये बहुत important है लिख के रखना. जब भी कोई भी vector तुम्हें दिया होता है students और तुम उसको resolve करते हो students, तो तुम resolve करोगे into two mutually perpendicular vectors. एक होगा x axis और एक होगा y axis. तो तुम इसको resolve करोगे दो में तो एक एक को fx लिखो ना, दूसरे को fy लिखो. अभी fx को लिखोगे तो fx यानी x एक्सिस तो fx यानी वेक्टर हुआ तो वेक्टर को कैसे लिखते हो डेफिनेशन क्या था मैंने कल भी बताया था डेफिनेशन क्या था सर वेक्टर को मैग्नेट्यूड और डायरेक्शन होता है तो यहाँ पे मैग्नेट्यूड क्या होगा सर f cos थीटा डायरेक्शन किस तरफ जा रहा है सर इस तरफ जा रहा है तो प्लस आई क्या तो डाल दिया मैंने ये एफ वाई सर वाई एक्सिस में है ये तो वेक्टर है ये हुआ मैग्नेट्यूड ये हुआ डायरेक्शन क्या इतना क्लियर हुआ सर यस सर वी कैन टेक f कॉमन पार्डन F common. Then that's what I can consider, na? And that's how we can find out the resultant. That's how we can find out the resultant. ये तुम्हारा resultant हुआ, ये तुम्हारा actually resultant है. ये resultant है, resultant force है. अभी देखो, अगर मैं F को common निकाल दूँ, तो कहने से F, if in case if I want to go, ये तुम्हारा vector form है, ये vector form है. अगर मुझे magnitude चाहिए students, ध्यान से सुनना, मुझे magnitude चाहिए students, तो कैसे निकालोगे? क्या करोगे? What is the angle between the two vectors? 90 तो कहना से यूजिंग पैरेललोग्राम क्या आंसर आ रहा है यूजिंग पैरेललोग्राम क्या होगा फिर इसका मैग्नेट यानी fx स्क्वायर प्लस fy स्क्वायर प्लस 2fx fy cos ऑफ 90 बिकॉज़ दीस टू आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर व्हाट इज cos ऑफ 90 विल बी जीरो ये पूरा जीरो हो जाएगा स्टूडेंट्स तो कहना है से f cos थीटा द होल स्क्वायर f sin थीटा द होल स्क्वायर व्हाट इज cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा स्टूडेंट्स One. तो one और root of f square what is root of f square f आया are you getting it students तो इसका आंसर क्या मिलेगा directly f is this clear with all of your students yes sir agreed तो जब भी दो vectors दिए हैं I'm breaking these two vectors into two mutually perpendicular vectors. One is along x axis, one is along y axis. If I want to find out the resultant, simply my resultant will be f. अभी मुझे direction चाहिए. Suppose अगर मैंने पूछा direction, what is the direction of the vector? तो तुम क्या बोलोगे? तो direction क्या होती है यानी ये हुआ आपका f और ये horizontal. Can I go for tan theta? What is tan theta? So tan theta is equal to opposite upon adjacent. Opposite upon adjacent, yeah. So what exactly it is fy by fx fy by fx that's what your angle is also coming to this part once again
इसको मैं वापस बता रहा हूँ और पूरे ये मैं इरेज कर रहा हूँ और ये वापस बता रहा हूँ, ये वापस बता रहा हूँ. बट हैव यू ऑल नोटेड डाउन थिंग्स इफ यू वांट, बिकॉज आई एम गोइंग टू इरेज इट. हैव यू नोटेड डाउन फ्यू थिंग्स इफ यू वांट इट? यस सर. तो कैन आई इरेज स्टूडेंट्स, क्या मैं इसको इरेज कर सकता हूँ? यस. Again, I'm going to get for the fourth part of it, which a few students somebody was asking. So can you just repeat it once again? So I'm repeating once again. Students, the formula which I used it to find out the result in four students, first of all, ye dhyan mein rakhna, maine use kiya tha. Can you tell me which formula I used it to get my resultant? Sir, F cos theta into S. Name of the formula. Which formula I'm asking you? I didn't ask you what are the formula. Resolution of vectors. Pardon? Resolution of vectors. Student, it is parallelogram log of vector addition. Kal hi maine bataya tha. Agar tumhe addition of vectors chahiye, yaar sir, to you can go for triangle law, polygon law, parallelogram. Parallelogram ka matlab kya hai students? Malum hai? Parallelogram law of vector addition kya tha? Yesterday only who answered for this parallelogram, you know, new student tha hamara, if I'm not mistaken, it was Parth. Parth ne shayad, I don't know about it, I feel like that Parth ne answer kiya tha new students mein. Okay, and that was, maine agar question tumhe throw kiya tha to maine ye bola tha, somebody was walking 4 kilometers due east, then 3 kilometers due north, फिर फाइंड आउट किया रिजल्टेंट, तो ये दोनों एंगल 90 था, तो उसने पाइथागोरस से 5 किलोमीटर बोला था. तो ये क्या क्या सर, कोई भी स्टूडेंट बोला था तो उसका मतलब क्या हुआ सर? ये एक वेक्टर है, ये एक्स एक्सिस पे क्या, एवरीबॉडी पार्थ तुमने जो आंसर दिया ना उसी का पार्थ, डिड यू गिव द आंसर फॉर दिस? हां पार्थ, आर यू देयर? नो सर. डिड यू गिव और समबडी एल्स गिव? समबडी एल्स. ओके, दिस इज 4 किलोमीटर हाई कैप. Let us say this is B vector J cap. Now, sir, what Jason? Oh, Jason. Very sorry, Jason. The credit goes to you. Okay, Jason. Good. So, Jason, bol na. Aise kya kar raha Jason? Okay, this is 4 kilometers along x-axis, 3 kilometers along y-axis. He gave the answer 5 kilometers, students. Yani he actually kiya kya usse malum hai? Usko ye pata hi nahi tha. Sirf usko naam malum tha, lekin dhyan se suna students, naye students jo bhi join hue hai. He didn't knew the head and tail of this parallelogram law, but then also practically, and usne what exactly did he know? He used the formula a square plus b square. The latter part was 2ab cos, and the angle between them is 90. Students, this is what is your parallelogram law of vector addition. If two vectors are given to you, students, and the angle between the two vectors is known to you, then we can use your parallelogram law of vector addition to find out resultant. So now somebody who asked, sir, can you repeat about resultant? Prayag, are you there, Prayag? Yes. Resultant kabhi bhi nikalna hai do vectors ka to tum kaun sa method use kar sakte ho? Parallelogram law vector. उसका फॉर्मूला मैं लिख लेता हूं. फॉर्मूला ये तुम्हारा रिजल्टेंट है, इसको हम लिखते हैं. अगर कोई दो वेक्टर्स दिया है ए स्क्वायर, यानी एक वेक्टर मैंने दिया है ए, दूसरा वेक्टर दिया है बी, इन दोनों का अगर मुझे रिजल्टेंट चाहिए तो फॉर्मूला होगा, प्लीज ऑल न्यू स्टूडेंट्स यू कैन पुट डाउन दिस इज द फॉर्मूला, प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा.
अगर किसी ने पूछा थीटा क्या है तो तुम्हारा आंसर होना चाहिए थीटा इज द एंगल, थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी. नाउ नाउ दो स्टूडेंट्स हु आर प्रेजेंट ओके प्रीवियसली आल्सो सिटिंग इनटू इट, हाउ कैन यू फाइंड आउट द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, व्हाट इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, कैसे डिसाइड करोगे? So the angle between the two vectors is the angle between the two vectors which is where they are joined either from head to head or tail to tail. Okay, but angle between the two vectors is it, yes, that's what he said, between two heads or between two tails, joined head to head or tail to tail. Somebody said tan alpha. Who was that tan alpha? Sorry sir, that was for direction. Yes, Asmita, that was for direction of the resultant, okay. तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर ध्यान से सुना नए स्टूडेंट्स जो भी नए स्टूडेंट्स है ये भी एक ध्यान में रखना, ये फॉर्मूला तो ध्यान में रखना, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको बोलते हैं पैरेललोग्राम. नाउ अगर किसी ने पूछा कि सर एंगल कैसे निकालते हैं तो ये ध्यान में रखना स्टूडेंट्स एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स अगर हमें करना है तो इट विल बी व्हाट, एंगल बिटवीन टू टेल्स or two heads of given two vectors. ये ध्यान में रखना, यानी अगर दो वेक्टर के टेल्स मीट होते हैं तो वो होगा तुम्हारा एंगल, या दो वेक्टर्स के हेड मीट होते हैं तो वो होगा तुम्हारा एंगल. जैसे मैंने ये बोला एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज एंगल बिटवीन टू टेल्स एंड टू हेड्स, तुरंत जो भी नए स्टूडेंट्स हो गए ना तुरंत उनका फोकस यहाँ पे चला जाता है, सीधा आई साइड वहां पे चला जाएगा. ये स्मार्ट स्टूडेंट्स की है हाउ टू फिगर इट आउट. जिस स्टूडेंट ने जैसे मैंने स्टेटमेंट कंप्लीट किया और उसकी अगर नजर यहाँ पे चली गई उसका मतलब ही इज वाइज इन फिजिक्स, वो तुरंत यहाँ पे बैठ गया. सर यहाँ पे तो आपने हेड लिया है एक वेक्टर का और यहाँ पे तो इसका टेल ले लिया है, तो सर ये कहाँ से एंगल हुआ? शिफ्टी वेक्टर. तो हमने क्या किया मालूम है, हमने इस वेक्टर को सिर्फ आगे शिफ्ट कर दिया स्टूडेंट्स. अभी देखो यही वेक्टर तो इसी डायरेक्शन में जा रहा है ना भाई, ये तो इसी डायरेक्शन में जा रहा है, तो आई कैन शिफ्ट वेक्टर्स, ये ध्यान रखना यू कैन शिफ्ट वेक्टर्स. लेकिन शिफ्टिंग कैसे होती है? पैरेलल टू इटसेल्फ, नॉट एनी हाउ, नॉट रैंडम, एनी वेक्टर, ये भी ध्यान में रखना, एनी वेक्टर को अगर तुम्हें शिफ्ट करना है यू कैन शिफ्ट पैरेलल टू इटसेल्फ. तो मैंने इसको शिफ्ट कर दिया, अगर मैं इसको शिफ्ट कर देता हूं आगे तो देखो इसका टेल या ये टेल, नाउ कैन आई से दिस एंगल इज 90 एंड दिस वेक्टर कैन बी रिटन एज वेक्टर ए. नाउ सी वेक्टर ए वेक्टर बी, व्हाट इज द एंगल बिटवीन देम? 90. व्हाट इज कॉस ऑफ 90? 0. एम आई गेटिंग माय आंसर? 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर. एग्जैक्टली सेम थिंग आई डिड इट राइट नाउ. मैंने क्या बोला था? 4 स्क्वायर है, मैंने ये थीटा ले लिया था स्टूडेंट, देखो ये होगा मेरा एफ कॉस थीटा और ये होगा एफ साइन थीटा. वापस में बोल रहा हूँ, ये एफ कॉस थीटा अलोंग एक्स एक्सिस, एफ साइन थीटा अलोंग वाई एक्सिस, इसको मैं लिखूंगा एफ एक्स बार, इसको मैं लिखूंगा एफ वाई बार. यानी ये क्या हुआ? ये वेक्टर है, ये मैग्नीट्यूड है, ये डायरेक्शन है. ये वेक्टर है, ये मैग्नीट्यूड है, ये डायरेक्शन है. नाउ अगर मैंने पूछा फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर, तो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे होगा? तो क्या होगा? फॉर्मूला आ गया, ई स्क्वायर की जगह क्या लिखोगे? मैग्नीट्यूड ऑफ एफ एक्स स्क्वायर. और मैग्नीट मैंने कैसे बोला था स्टूडेंट्स? मॉडुलस साइन में लिख सकते हो तुम, यू कैन राइट विद द मॉडुलस साइन. तो ये फॉर्मूला आया प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर की जगह क्या लिखोगे? प्लस टू ए बी टू एफ एक्स एफ वाई, और पीछे क्या है? 90 degree, sir. Angle between them is 90 degree. So can I say cos of 90, students? Students, what is cos of 90? Zero. What is cos of 90? Zero. Zero. So can I say pura zero ho jayega, students? So bacha kya? Resultant vector in magnitude will be under root. Sir, ye fx square ka matlab f cos theta the whole square f1. Kyunki abhi mujhe magnitude chahiye, students. Hello? मुझे सर मैग्नीट्यूड चाहिए. तो यहाँ पे भी कोई स्टूडेंट होगा ना वो बोलेगा सर आपने आई क्यू नहीं लिखा, आप एफ एक्स लिख रहे हो ना, और एफ एक्स आपने एफ का. तो स्टूडेंट्स मैंने मैग्नीट्यूड लिखा तो ये मैग्नीट्यूड है, ये डायरेक्शन है,
तो अगर ये मैग्नीट्यूड है ना स्टूडेंट, यहाँ पे आई नहीं आएगा। वापस ये क्वेश्चन पूछना मत कि आई क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये पूरा मैग्नीट्यूड में है। तो एफ कॉस थीटा द होल स्क्वायर प्लस एफ साइन थीटा द होल स्क्वायर स्टूडेंट्स, नाउ कैन यू सॉल्व इट? माय रिजल्टेंट विल बी अंडर रूट सर एफ स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। व्हाट्स द आंसर ऑफ एफ स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू व्हाट? 1, ये पूरा 1 हो जाएगा। टेकिंग स्क्वायर रूट, व्हाट इज माय रिजल्टेंट फोर्स एफ दैट मेनी न्यूटन। क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू ऑल? यस सर, यस सर। All yes, the students sir. In the meeting, all the students, even the new yes, one and the old one, all of you. Yes, sir. अगर मैंने direction पूछा, can you give me direction? तो क्या लोगे? तुम theta लोगे? What is tan theta, students? What is tan theta in this right angle triangle? इसको opposite ले लोगे? That's it ना. Tan theta opposite upon adjacent. Opposite क्या है? So opposite तो ये rectangle था. Fy. Adjacent क्या? Fx. Fy upon fx. ये हुआ डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। सॉरी सर, ये अल्फा 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 होगा, वेरी सॉरी, दिस इज अल्फा अल्फा, वेरी सॉरी, डायरेक्शन इज ऑलवेज बी टेकन इन टर्म्स ऑफ अल्फा। ओके, मैंने अलग एंगल लिया स्टूडेंट, ये अल्फा होगा। सो व्हाट इज टैन अल्फा? थीटा तो पूरा है, व्हाट इज टैन अल्फा? ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। सो व्हाट इज टैन ऑन डायरेक्शन हम लोग ने पढ़ा था जस्ट नाउ, समबडी सेड इट, अस्मिता हैड सेड इट, टैन अल्फा वो वाला डायरेक्शन है, tan alpha is equal to opposite upon adjacent, fy upon fx. So students, whenever you use parallelogram law of vector addition, you should know how to find out the magnitude, you should know how to find out the direction. And जब भी ध्यान रखना, angle between the two vectors is either two tails or two heads, is the angle between the two vectors we can say. Is this clear now, all of you all? All of you all, is it clear, students? Yes, sir. Okay. Your, shall I erase it or you want to copy it down? Just a minute. Okay. So this angle is alpha, theta is entirely 90 degrees. Yes, sir. Okay. Was be thinking why sir has kept these two diagrams still. Now listen here, let me speak about these two diagrams again. So students, what I was saying it, if I give you a vector A and if I say I want to resolve resolve vector A into two vectors, but which two vectors which are orthogonal, and those two orthogonal vectors are called component of given vector. Now I want to resolve A. There are two students. मैंने बोला students resolve A. तो एक ने एक ये diagram बनाया.
उसने ये डायग्राम बनाया, कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों का आंसर सेम ही आएगा, विच आई मेड इट वेरी क्लियर ऑल्सो, आई एम मेकिंग इट वेरी क्लियर वंस अगेन. यानी अगर तुम वेक्टर ए को रिजोल्व करते हो ना, सम स्टूडेंट मतलब कि सर वेक्टर ए को मैंने रिजोल्व किया और मुझे डांस से ना मुझे सर यहाँ पे एंगल थीटा लेना है. स्टूडेंट्स कैन यू सी दिस इज थीटा आई एम टेकिंग इट, यानी थीटा इज द एंगल बिटवीन माय वेक्टर ए एंड वन ऑफ इट्स कंपोनेंट. नाउ स्टूडेंट्स कीप इन माइंड, अगर सपोज मैंने ये थीटा लिया ना स्टूडेंट्स, ये थीटा लिया तो उसके बाजू वाला वेक्टर होगा व्हाट इज दिस, दिस वेक्टर आई विल कंसीडर विल बी ए कॉस थीटा. इज दिस क्लियर विद एवरीबॉडी? और ये क्या हो जाएगा, ए साइन थीटा. इज दिस क्लियर? क्या ये क्लियर हुआ? कंपोनेंट्स मैंने इसको तोड़ा, जैसे फोर्स को मैंने कैसे ब्रेकअप किया था, समझ में आ रहा है? देखो कैसे याद रखना है, फोर्स ऐसा था फिर मैंने इसको तोड़ दिया दो वेक्टर्स में, और मैंने क्या किया था, मैंने यहाँ पे सपोज इफ आई हैपन टू गो फॉर दिस एज एन एंगल इन दिस केस, व्हाट एग्जैक्टली आई डिड इट, सर यहाँ पे मैंने अगर ले लिया तो ये मेरा एंगल ये तो एफ कॉस थीटा, और ये क्या हो जाएगा एफ साइन थीटा हो गया. इसको ब्रेक किया इनटू टू कंपोनेंट्स, तो जिस एंगल के साथ में दिया होगा वो वाला जो वेक्टर होगा दैट इज कॉस एंड द अदर वन विल बी साइन. सेम वे ये थीटा आ गया तो ये ए कॉस थीटा और ये साइन थीटा. But not if some other students wants to go for, listen here, some other students doesn't want to take this as theta, that other person wants to take this as theta. तो कोई problem नहीं students. तो तुम्हारा ये जो vector क्या होगा, ये होगा a cos theta. इसके हिसाब से blowing के हिसाब से, तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा a sin theta. यानी blue with blue, red with red. Red is theta हो या blue is theta? Is this clear with everybody? मैंने वेक्टर ए को उसका मैग्नीट्यूड मैंने 4 यूनिट्स दिया, ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स, 4 यूनिट्स दिया. बी विथ मी ऑल ऑफ यू. नाउ लिसन केयरफुली स्टूडेंट्स, अगर सपोज मैंने थीटा को 30 डिग्रीज ले लिया, एग्रीड, थीटा को मैंने 30 डिग्रीज ले लिया इन दैट केस, तो नाउ कैन यू टेल मी, अगर ये 30 डिग्रीज हुआ तो ये कितना होगा, टोटल 90 है ना, 60 डिग्रीज हो जाएगा, 90 माइनस 30, ये पूरा 90 है. नाउ स्टूडेंट्स हम दो आंसर्स निकालते हैं, लिसन केयरफुली, हम पहले रेडिंग के आंसर निकालते हैं. रेडिंग का आंसर क्या है सर, ए कॉस थीटा, यानी स्टूडेंट्स कहने से ए कॉस 30, हाँ. दूसरा ए साइन थीटा, यानी हमारा थीटा वो रेड वाला होगा, ए साइन 30. कैन यू टेल मी स्टूडेंट्स व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस 30? कॉस 30 1/2, कॉस 30 √3/2 माय डियर, कितने शांत है ना, सर बहुत शांत है ना, दैट्स व्हाई ही इज अ गुड फिजिक्स टीचर, ही इज अ वेरी गुड फिजिक्स टीचर, सोम सर इज आल्सो वेरी गुड फिजिक्स टीचर, बहुत शांति से करना है क्योंकि बहुत सारी चीजें दिमाग में चलती है उस टाइम पे, तो तुम्हें करेक्ट स्टेटमेंट बोलना है, करेक्ट आंसर बोलना है, करेक्ट सोल्यूशन दिखाना, ना कि घाई 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 में यू ट्राई टू क्रिएट ब्लंडर्स. हमेशा स्टूडेंट्स यू शुड लर्न इट फ्रॉम योर टीचर्स. ओके, यहाँ पे देखो एक कॉस थीटा नहीं, ए कितना दिया सर, 4 दिया, तो देखो 4 × √3/2, व्हाट्स आंसर, 2√3, एग्री, और ये क्या होगा, 4 × what is sine of 30? Half? 1/2. Agreed? ये clear हुआ students? आके ना? Sir? Yes, sir. Yes, sir. We will do not take a sine 60 degree. My dear, I'm using reading only na. I'm using this theta only. I'm using reading ka theta. ओके सर, ओके. अबे देखो चलो
मैंने ये कंफ्यूज हो रहा है तो मैं ये थीटा ले रहा हूँ, इसमें अलग एंगल ले लेता हूँ, बस अलग एंगल ले लेता हूँ, अलग एंगल ले लेता हूँ। ये रेडिंग थीटा को मैंने 30 लिया तो मेरा ब्लू इंक में ये सोचता हूँ, ब्लू इंक को मैंने ये सोचा स्टूडेंट्स, लेट मी टेक अनदर एंगल, मैंने किसको एंगल लिया है फी, चलो ये मेरा थीटा 30 है तो टोटल तो 90 हो गया, टोटल तो मैं देखा स्टूडेंट पूरा टोटल 90 है ना, उसमें से अगर ये 30 हो गया तो ये एंगल कितना होगा 60, तो मेरा ये कंपोनेंट क्या होगा सर, ए कॉस, व्हाट इज दिस सिंबल, दिस सिंबल इज प्रोनाउंस्ड एज फी, ये जो सिंबल है ना ये ग्रीक अल्फाबेट है स्टूडेंट्स, और ये ग्रीक अल्फाबेट को हम प्रोनाउंस कर सकते हैं एज फी, पी एच आई, तो ये ए कॉस फी होगा और ये ए साइन फी। अभी क्लियर हुआ सबको, अभी क्लियर हुआ? यानी अगर मैं रेडिंग लेता हूं तो एक कॉस थीटा का ये आंसर होगा, ए साइन थीटा। नाउ लेट मी गो फॉर द ब्लू, लेट मी गो फॉर द ब्लू इंक, अगर मैं ब्लू इंक के हिसाब से जाता हूं तो स्टूडेंट्स व्हाट एग्जैक्टली ए साइन फी, तो ए का वैल्यू क्या है सर, ए का वैल्यू तो 4 है, आई पुट इट आंसर इज ए साइन, व्हाट इज फी, फी इज हाउ मच, 60 डिग्री, दिस इज 4, स्टूडेंट्स व्हाट इज साइन ऑफ 60, क्या ये क्लियर हुआ सबको? अभी हम ए कॉस फी निकालते हैं, ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, ए कॉस फी, तो ए कॉस 60, दैट इज इक्वल टू, ए की वैल्यू क्या है 4, व्हाट इज कॉस ऑफ 60, 1/2, हाफ, व्हाट्स माय आंसर, एग्री, नाउ सी द फन, नाउ सी द फन स्टूडेंट्स, when I resolved A into two components and the first student broke up into one and two, the answer sunna, I'm speaking in English, first students broke it up into one and two and he took theta as 30 degrees with the with one, he got the answer A cos theta, but when the same vector was given to some other students, he also resolved into same two vectors only, but what did he do now? He picked up this angle, not that angle, he picked up a 60 degree, then he got the answer as a cos 60, cos phi, aur wahan pe a sin phi diya, but students can I say a sin phi is by the second student, is it the same vector what a cos theta was, can I say dono ka value same aana equal, dono ka value same aana chahiye, आ रहा है सेम, ए कॉस थीटा और ए साइन थी, देखो स्टूडेंट्स क्या दोनों का वैल्यू सेम आ रहा है, 2√3 and 2√3, आर यू गेटिंग दिस स्टूडेंट्स, यस सर, ए साइन थीटा और ए, ये देखो इन दोनों का आंसर सेम आना चाहिए, तो देखो इन दोनों का भी आंसर सेम आया, व्हाट इज इट, 2 units and 2 units, यानी स्टूडेंट्स कभी भी तुम रिजॉल्व करो तो टेंशन मत लेना कौन सा एंगल लिया है, कोई स्टूडेंट्स इसको अल्फा ले लेगा, अभी देखो ये वाला लेक्चर लेता हूं, आंसर देना, विल गो फॉर द वन, अगर सपोज ये वेक्टर ए दिया है, एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स वी कंसीडर इज 90, किसी ने इसको अल्फा ले लिया तो इसके कंपोनेंट क्या होगा, बोलोगे तुरंत सर ये अल्फा होगा ना, तो ये ए कॉस अल्फा होगा, ये वाला क्या हो जाएगा, ए साइन अल्फा हो गया, लेकिन कोई दूसरे स्टूडेंट्स ने इसको नहीं लिया, he took up this angle, beta. तो उसके हिसाब से what exactly? सर ये होगा a cos beta और ये होगा a sin beta. But students, the answers of a sin alpha and a will be exactly equal. These two also will be exactly equal. Is this clear, students? All of you, yes, sir. Solution of two vectors into two mutually vectors perpendicular to each other, call it two orthogonal vectors. Am I getting it? So we can go for their components, and the components are along x-axis and y-axis. So finally, if I write on the final conclusion, if I put forward, students, this is the final conclusion. I'm putting it. Everybody, be with me. Suppose if I happen to give you as vector p, I want to resolve into two vectors. I've taken one vector over here, another vector over here. The angle between these two vectors I'll consider will be 90. So one of them is along the x-axis I'll consider.
दैट इज पी एक्स बार. सी अभी मैंने वेरिएबल चेंज कर दिया, कभी ए लेता था, कभी बी लेता था, कभी आर लेता था, जानबूझ के मैंने पी लिया है. क्योंकि स्टूडेंट ये भी आदत होनी चाहिए कि प्रॉब्लम जो होते हैं ना, दे वोंट गिव यू विद वन वेरिएबल्स, दे कैन गिव यू विद अदर. अब ये पी दिया तो ये पी एक्स हो गया, थोड़ा सा कंपोनेंट इफ आई कंसीडर, इन विच सर अगर मैंने ये एंगल, ये एंगल को मैंने बीटा लिया, दैट इज हम बीटा लेते हैं, मैंने बीटा ले लिया, तो ये क्या होगा, पी कॉस बीटा आई कैप, ये क्या होगा, चलिए होगा P sin theta, और ये जो एंगल थीटा है दोनों के बीच में, ये मेरा 90 मिलेगा. Agreed? तो नाउ कैन आई से P bar is equal to Px bar plus P by bar. ये कौन सा फॉर्म में हुआ, इन वेक्टर फॉर्म. प्लीज वेरी इंपॉर्टेंट, केयरफुली लुक, यहाँ पे कुछ भी अगर अभी भी समझ में आया तो अभी पूछ लेना वापस. So can you explain it again, please? What, repeat? Sir, I didn't understand the formula you used right now. P bar is equal to Px bar plus Py bar. My dear, this is triangle of vector addition. So, this is Px, a Py ko shift kar dena yahan pe. Tail of the first vector, tail of the second. Triangle law. Okay, samjha. That is written bar. Now, if I don't say it in digit vector form, so Px will get it again. तो अंडर रूट क्या होगा सर, पी एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर प्लस टू पी एक्स पी वाई कॉस ऑफ थीटा, एंड व्हाट एग्जैक्टली थीटा, थीटा इज 90 degrees. Theta is 90. Therefore, exactly magnitude of P bar will be equal to under root P x square plus P y square cos of 90. So zero will be. Since theta is 90, so what can I say? My resultant P will be equal to P itself. Only we consider solving it. Is this clear with everyone? Direction. If I want to go for direction, then what exactly direction? So direction will be tan beta. What is tan beta? Opposite upon adjacent. So can I say this is ratio of Py by Px? This is what your direction. So whenever students are speaking about two orthogonal vectors, this is the part which you have to keep in mind, but you can resolve to your comforts. Dusra comfort kya hai, Upendra? Dusra comfort kya hai, malum hai? Dusra comfort mein kya de raha hu? Observer ke upar hai. Abhi dhyan se sunna, dhyan se sunna. Me as an observer, क्या मैं इसको इरेज कर सकता हूँ? चलो इसको मैं इरेज कर सकता हूँ. यस सर. ऑल ऑफ यू, ऑल ऑफ यू कैन आई करें? यस सर. प्लीज वन थिंग, इफ यू आर नॉट पुटिंग इट डाउन इनटू योर बुक्स, इट विल बी इनटू अ कंप्लीट मेस. या तुम वापस सोचो कि रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखूंगा तभी लिखूंगा, फाइन इनफ, लेकिन डू नॉट वेस्ट मच ऑफ द टाइम इन गोइंग फॉर मोर ऑफ रिकॉर्डिंग, बिकॉज यू नीड टू डू योर ओन स्टडीज. ये भी ध्यान में रखना, रिकॉर्डिंग स्टूडेंट्स, रिकॉर्डेड लेक्चर्स के हैबिट ज्यादा मत होना. हाँ, तुम नोट्स मेंटेन कर रहे हो, नोट्स मेंटेन करते रहना. अभी अगर होगा तो शांति से अगर तुम कॉपी कर सकते हो लिखो, बाद में तुम करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं मना नहीं कर रहा हूँ. लेकिन रिकॉर्डेड लेक्चर में नहीं कि वापस मैं डेढ़ घंटा बैठ के देखू. स्टूडेंट्स अगर ये आदत गिर गई ना, टेक इट फ्रॉम मी, एज यू मूव फर्दर अहेड मैक्सिमम पोर्शन ऑफ फिजिक्स विल गो ऑन. यानी तुम 4-5 घंटे 6 घंटे लेक्चर्स में बैठोगे, उसके बाद में वापस रिकॉर्डेड 4 घंटे बैठोगे, 10 घंटे हो जाएंगे, उसके बाद में तुम्हारी कभी पढ़ाई करोगे? तो अगर ये आदत गिर गई ना स्टूडेंट्स, जस्ट बी नहीं, अभी कुछ नहीं, फाइन, आई एम लिसनिंग. कोई कोई तो अभी राइट में ऐसा टांग फैला के ऐसे बैठे होंगे, मामा ने बोलते बेटा नाश्ता कर ले, ये कर ले, एकदम आराम से बैठा होगा और ऐसे ऐसा ऐसा हाथ रख के सोच रहा है, देख रहा है स्क्रीन को, देख रहा है बस, कुछ नहीं लिख रहा है. बाद में रिकॉर्डिंग देख लूंगा ना मामा, ये सारे पछताने वाले हैं. वार्निंग ऑल स्टूडेंट, सारे पछताने वाले आगे जाके. सो डोंट बी इन दैट वे ऑफ अप्रोच. हाँ, तुम रिकॉर्डिंग देखो, कहाँ पे कोई कंसेप्ट नहीं समझ में आया तो उस टाइम पे तुम चले जाओ और उसको फिर शुरू, दैट विल हेल्प यू. लेकिन कंप्लीटली अगर तुम डिपेंडेंट हो गए कि वापस में रीड देखूंगा और फिर, तो बहुत बुरी आदत है ये, आगे जाके तुम्हारा वर्कलोड बढ़ने वाला है. तो उसमें तुम रिकॉर्डिंग में टाइम जाओगे तो तुम्हारी खुद की पढ़ाई नहीं होगी स्टूडेंट्स.
और फिर तुम्हें वो हैवी लगने लगेगा, बैकलॉग बढ़ता रहेगा, तो प्लीज again I'm giving the same. Now what I was speaking about, you know, I was telling Uthay Upendra also, ab ye tumhare pe depend hai ki tum as an observer isko kaise dekhte ho diagram ko. Now suppose agar main aise dekh raha hu, everybody be with me, abhilash ji, agar main aise dekhta hu to main kya karunga malum hai, main isko x axis pakdunga aur isko y axis pakdunga. Samajh mein aa raha hai students? Main mera observation aisa ja raha hai तो मुझे एक्स लग रहा है, मुझे वाई लग रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं भाई. तो मेरा आंसर ये क्या होगा, ये मैं लिखूंगा आंसर तो मैं इसको मैं लिखूंगा एक्स बी कॉस अल्फा आई कैप. वही दूसरा स्टूडेंट इसको भी तो एक्स ही लिख सकेगा, लेकिन ही इज टेकिंग बीटा ना, तो ही विल गो फॉर ए साइन बीटा आई कैप, कोई प्रॉब्लम नहीं. वो वाला वेक्टर कौन सा एक्सिस पे, वाई एक्सिस है, तो उसको मैं कैसे लिखूंगा सर, ए वाई बी इक्वल टू व्हाट, a sin alpha j cap, a y will be by the other student will be a cos beta j cap. Kya ye clear hua? Yes sir. Agreed. Abhi dekho, now the dusra student aisa dekh raha hai, observer ka position change ho gaya, main aisa dekh raha hu, meri marzi, main chahe ye karo, main chahe wo karo, meri marzi, main dawai ke lecture mein nahi baithu, meri marzi. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे भी तुम्हारी मर्जी हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं. एज एन ऑब्जर्वर अगर मैं देखो, ध्यान से सुना, मैं देखो तो मुझे ये वाई दिख रहा है, लेकिन ये मुझे नेगेटिव एक्स दिख रहा है. आर यू गेटिंग स्टूडेंट्स, ट्राई टू टिल्ट योर हेड, थोड़ा सा हेड को बाइक ऐसा, हेड को ऐसा, तुम्हारा हेड है ना, तुम देख रहे हो स्क्रीन को, ऐसे देखो ना, थोड़ा सा हेड को ऐसा टिल्ट करो, तुम्हारा हेड को टिल्ट करो, तो तुम्हें क्या लगेगा, हां सर ये तो वाई एक्सिस है, पर ये नेगेटिव, सॉरी ये वाई एक्सिस हुआ और ये नेगेटिव एक्स एक्सिस हो गया, हुआ कि नहीं हुआ. हाँ जी सर, नो प्रॉब्लम, ऑन टू द ऑब्जर्वर. How exactly taking the coordinates in that case? But all the time, x, y, z will be mutually perpendicular to each other. Negative alpha. Minus I. Minus a cos alpha i. दोनों का आंसर सेम आना चाहिए, आएगा क्योंकि दोनों नेगेटिव पे लिखा है. हम्म, यानी ये डिपेंड्स ऑन टू दिस, ऑन टू द ऑब्जर्वर. हाउ डू यू गो अबाउट विद इट? सेम थिंग आई कैन गो फॉर दिस. नाउ द अगर सपोज, नाउ प्लीज एवरीबॉडी हैव अ लुक एट दिस. तुम्हारा ये हेड ऐसा है, इसको थोड़ा सा ऐसे टिल्ट करो, हेड को ऐसे टिल्ट करो, डायग्राम ये वाला डायग्राम को ऐसे देखो. तो अगर मैं ऐसे देखूंगा तो तुम क्या बोलोगे सर, ये जो कंपोनेंट है और ये जो कंपोनेंट, मैं अगर मेरा हेड टिल्ट कर देता हूँ तो सर मुझे तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस लग रहा है और ये नेगेटिव आई दिख रहा है, ये प्लस और माइनस ये दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हाँ सर. यस सर. स्टूडेंट्स विल टेक इट, अगर सपोज मैंने ऐसे टिल्ट कर दिया, देखो ऐसे टिल्ट कर दिया, ओके, इफ आई एम कीपिंग माय हेड इन दिस मैनर, तो मुझे ये पॉजिटिव एक्स दिख रहा है, ये पॉजिटिव आई दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं.
Are you getting students? Yani when you solve problems, ये सारी चीजों को ध्यान में रखना जरूरी. मतलब sir. You're saying as long as the two axes are mutually perpendicular to each other, कोई भी हमारा point of view चलेगा. ऐसे समझे. Yeah. Of course, it depends on the point of observation in that case. Reference frame can be considered. You can decide the reference frame. किसी को x-axis as a reference line लेना है तो x-axis. लेकिन generally as per the Cartesian and conventions बोला क्या जाता है कि अगर तुम्हें कोई भी coordinate axis दिया होता है x-axis, y-axis और origin दिया है तो बोला क्या जाता है x-axis को हमेशा reference frame लगना है. क्यों? Reason क्या? क्योंकि जितने भी angles, क्योंकि सारे angles का खेल है students. ये पूरा angles का खेल है. तो जब भी तुम mathematics पढ़ोगे तो वहां पे हम मेजरमेंट ऑफ एंगल्स आंसर सुनना नए स्टूडेंट्स भी. ये बेसिक्स है और शायद ये तुम लोग ने टेंथ में भी पढ़ा है ट्रिगोनोमेट्री में. अगर तुम एंगल्स को मेजर करते हो तो स्टूडेंट्स हमेशा हम एक्स एक्सिस पॉजिटिव एक्स एक्सिस का रेफरेंस फ्रेम लेते हैं और जो भी एंगल्स हम मेजर करते हैं सारे एंटी क्लॉक वाइज में ही मेजर करते हैं. सारे एंटी क्लॉक वाइज में. यानी जब भी हमें एंगल्स भी मेजर करना है स्टूडेंट्स तो तुम्हारा एक एक रे ओरिजिन से एक्स एक्सिस होगा होगा होगा. समझ में आ रहा है? एन एंगल इज व्हाट सर? एन एंगल इज बिकॉज ऑफ टू रेज इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट. हेलो, ये ओए और ओबी, ये एंगल फॉर्म हुआ. लेकिन जो जो दो रेज है उसमें से एक रे आई एम टेकिंग ऑलवेज अ पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड द एंगल्स आर ऑलवेज मेजर्ड इन In what direction? Dhaad baandh lena students. Anti-clockwise. Counter-clockwise. What is the other name? Anti-clockwise ka? Counter-clockwise. Samaj mein aaya students? Yes sir. Now yes, sir. If I say, I've given you vector A along x-axis. Okay? And another vector B, I'm giving it to you. Am I getting it? And this particular vector is in the fourth quadrant. Vector B is along the fourth quadrant. Vector A is along the x-axis. Am I getting positive axis? And if I say vector B, the answer is no. Vector B forms an angle of 30 degrees with vector A along positive x-axis. What is the angle between vector A and B? Will you take 30? No, sir. Take one. Sir, just a minute. Angle between angle A and B, no? Yes. That is 360 minus 30. 360 minus 330. Yes. It's always in anti-clockwise direction. You can see. Because, and this is in the fourth quadrant. That's why. Fourth quadrant. I have made it very clear. Fourth quadrant. Ye coordinate axis ki hisab se diya. Agar ye vector maine yahan pe diya hota. Are you getting it? Aur maine ye diya hota ki chalo, ye pura 120 hai. So what is the angle I'll consider? 360 mein. So 120 nikal do. Wo tumhara angle ho jayega. हाँ जी. तो जब भी एंगल मेजर करना है रिस्पेक्ट टू कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से तो हमारा रेफरेंस क्या होता है? ओरिजिन से पॉजिटिव एक्स एक्सिस. जितने भी एंगल्स होंगे वो सारे एंटी क्लॉकवाइज में मेजर. क्लियर सर? लेकिन वो उनको वन थिंग दैट शुड बी टोल्ड टू यू दैट दीज आर इन द क्वाड्रेंट्स. वो स्पेसिफाई करेंगे कौन से क्वाड्रेंट में, देन यू कैन कंसीडर. इज दैट क्लियर? यस सर. Can I erase the students? Yes, sir. But in general, the angle between the two vectors, we take the smaller one, no? Pardon? In general, if the coordinates and all are not mentioned, then the angle between the two vectors, we take the smaller. If the coordinates are not mentioned, we consider the angle between the two vectors as precisely the angle between the two tails and the angle between the two heads. Simply go for that. If the coordinates are not, that's why I told you now, if the coordinate system is not specified at all, okay, it's between generally in between two heads and two tails. Agreed? Yes.
Okay, sir. Now suppose if I happen to simply give you a question onto this, okay? Let me see how many of you all can just simply get the answer. Listen carefully, students, okay? The question given to your students, resolve horizontally and vertically. Resolve horizontally and vertically a force of 8 newton, which makes angle 45 degrees with horizontal. Don't give the answers. You can just raise your hand, and one who raises the hand first will be given a chance. The question is, student, resolves horizontally and vertically a force of 8 newton, which makes an angle of 45 degrees with horizontal. One who raises a hand first. Path, very good path, very good path. Very good, Nishant. Smith comes there. Yes, Parth, bolo, your chance. Parth, bolo. Sir, horizontal component of F is? Mm-hmm. The horizontal F component of cos 45 is equal to 8. What is cos of 45? 1 upon the root 2. So, he's answering now, my dear. Usko bolne do na. Beech mein mat interrupt karo na. Sorry. Okay. Say sorry to Soham, not to me. Okay. 8 by root 2. So what is 8 by root 2 ka answer? Rationalizing karoge to kya hoga tumhara? 4 root 2. 4 root 2. Okay. What about this? Iska dusra vertical kya hoga? Sin 45. Yes. F will it be cos or sin? Sin 45. Sin 45. Is the magnitude will be same for both? Will the answer will remain the same for both? No. Yes, sir. Yes, of course, sine of 45 and cos of 45. Itka bhi answer kitna hoga? 4 root 2 newton. Agree? Yani students, ye magnitude nikal diya. Ye magnitude nikal diya. Aur ye jo sine 45 was a component along y-axis. Cos 45 is a component of f along x-axis. Kya ye clear hua question? All the students who are into the group, please. Okay? Yes, sir. Yes, sir. Fine. Can I erase this? Can I erase this? Yes, sir. Yes, sir. And here I have resolved into two vectors. Mutually perpendicular. Now listen carefully, students. This is an inclined plane given to you. Everybody be with me. This angle is given to us 30 degrees. Okay, this is an inclined plane. The angle is 30 degrees, students. Resolve a weight of 10 newton. Resolve a weight of 10 newton into two directions. And suppose ki is inclined plane pe maine ek block rakha. Ye block hai. Okay. Ye jo block hai, उसका वेट इज इक्वल टू 10 न्यूटन. सो रिजॉल्व अ वेट ऑफ 10 न्यूटन. स्टूडेंट्स रिजॉल्व डब्ल्यू इनटू टू डायरेक्शंस इनटू टू डायरेक्शंस व्हिच डायरेक्शंस व्हिच आर पैरेलल एंड परपेंडिकुलर व्हिच आर parallel and perpendicular. Kisko? To the slope which is inclined at 30 degrees to the horizontal. Yani agar tum diagram dekhoge
तो ये बी बन जाएगा तुम्हारा ब्लॉक, उसका वेट डब्ल्यू है, ये जो मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन कर दिया ये तुम्हारा हॉरिजॉन्टल है, ये हुआ हॉरिजॉन्टल, ये हुआ तुम्हारा स्लोप। पूछा क्या मैंने, क्वेश्चन क्या पूछा, रिजॉल्व वेट। आंसर सुना स्टूडेंट्स, रिजॉल्व वेट ऑफ द ब्लॉक इनटू टू डायरेक्शंस व्हिच आर पैरेलल एंड परपेंडिकुलर टू द स्लोप इंक्लाइन एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। सो लेट्स सी हु हैज रेज्ड हैंड। निशांत, निशांत डिड यू रेज अ हैंड फॉर दिस क्वेश्चन? Yeah. Okay. Are you a new student or an old one? New. Oh my God! This is really good. There are two students who are both are new and they are giving answers. So we can draw a perpendicular on the weight from the slope. First of all, tell me, Nishan, ये जो block B दिया है, slope पे दिया है, can you tell me इसका weight का direction किस तरफ जाएगा? Downwards. Pardon? Downwards. Absolutely. Vertically downwards. Use the word vertically. नहीं, इसको सीधा perpendicularly नहीं, vertically downwards. ये तुम्हारे W हो जाएं. Now? After that, they said parallel, so we put it as sine 30 degree. I want weight in the resolved W in two directions. Can you tell me which are the two directions over here? One is parallel, one is perpendicular. So how do you show the two directions? How do you put forward the two directions? Yeah, the parallel one, we draw it 30 degree and draw it another, force. Along the plane? Yeah. Along the plane. But along the plane, should I draw it upwards or should I draw it downwards side? Downwards. Very good. So this is one in this direction, students. Aur dusra isi ka hi perpendicular. Yani dekho. वेट को मैंने रिजॉल्व किया इनटू टू डायरेक्शंस व्हिच आर पैरेलल एंड परपेंडिकुलर, ये है वो पैरेलल हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये पैरेलल वाला और ये है देखो परपेंडिकुलर वाला, समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? नाउ कैन यू टेल मी, कैन यू फाइंड आउट द एंगल? सी आई हैवंट गिवन द एंगल व्हिच वेयर एग्जैक्टली गोइंग टू पुट 30 डिग्रीज बिटवीन द परपेंडिकुलर, सपोज आई नेम देम, इफ आई सपोज नेम देम, this is A, this is B, this is C, and this is D. Chalo. We put it in angle CBD. CBD. And that is angle, which angle I'll consider? That 30 degree. Absolutely correct. This will be 30 degree. So now if I resolve this into two components, so what will the vector perpendicular will be what? That will be W cos theta. Yes, that is W cos 30. And this will be? sine 30. Very good. Excellent, Nishant. That means there are certain wise students. Nishant, have you done this earlier? I was doing textbook sum, so I remember the sum. Okay, you remember, but now you understood what exactly is the concept coming over here. And students, ye bhi dhyan mein rakhna. ये भी ध्यान में रखना कि ये सारी चीजें दैट इज व्हाट यू ऑल हैव वर्क आउट इन योर 10th स्टैंडर्ड आल्सो। अभी देखो ध्यान से सुना, लिसन केयरफुली स्टूडेंट्स, ये मैंने इंक्लाइन प्लेन दिया था, क्वेश्चन तुम्हारे सामने था, ब्लॉक रखा है, उसका वेट दिया है, सिर्फ तुम्हें जो स्टेटमेंट दिया है ये सबको समझ में आना चाहिए सबसे पहले कि पूछा गया है। तो स्टूडेंट्स व्हेन यू रीड द स्टेटमेंट, इट्स क्लियरली गिवन दैट्स द w इज अ वेट एंड दैट हैव टू रिजॉल्व इनटू टू डायरेक्शन, one of the direction will be along the plane and one will be perpendicular plane. So query yahan pe ye hoga, sir, along the plane will be downward direction or upward direction? That is very important. Perpendicular will be always in this manner. Now same thing ko we try to make it more easier. This is a block given to you, that's why I've drawn a block. Students, whenever such kind of questions are given to you na, instead of block, if they give you a car is on a slope or a block is on a slope or a sphere is on a slope and it's at rest, don't draw the diagram, don't draw block, don't draw car, don't draw sphere. Try to take this entire body as a point mass. Now see, your diagram becomes much more easier. Many students do this because they don't know the geometry part of it. Now I'm drawing the same diagram, making it more easier. This is 30 degrees, students. This is the angle formed by the slope with the horizontal. Take the entire block to be as a point mass. Take point bana do na usko. Are ye tumhara point block B hai. अभी मुझे बताओ इसका वेट कहाँ की तरफ जाएगा? सर आपने पहले बता दिया वेट हमेशा नीचे की तरफ ही जाता है
ऑलवेज डाउनवर्ड परपेंडिकुलर नहीं ऑलवेज वर्टिकल डाउनवर्ड ये डब्ल्यू हो गया जैसे तुम्हें डब्ल्यू मिला स्टूडेंट ध्यान से सुनना ये तुम्हारा 90 डिग्री हो गया फॉरगेट अबाउट द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन बाकी सारे क्वेश्चन को मार दो गोली पहले इसी को सोचो सर वेट नीचे गया ये 90 होता है सर ये एंगल तो 60 आ गया हाँ ये तो राइट एंगल ट्रायंगल हो गया अभी क्वेश्चन को रीड करो I want to resolve this W into two directions which are parallel and perpendicular. इसका परपेंडिकुलर यानी इसको हम दो तरह कैसे करेंगे पैरेलल परपेंडिकुलर किसको ध्यान से सुनना टू द स्लोप दैट मींस आई नीड टू रिजॉल्व W into two components but when I resolve this students my W should come within the two resolution vectors. Yani if I want W to be within these two, my other parallel should be downwards. Agar main isko nahi leta hoon aur main isko resolve karta hoon aise, kya ye vector in dono ke beech mein aaya? Kya ye vector? Nahi sir, 90 degree nahi hua. Remember, maine kya bola tha? Jab ye resolve karna hai, to in dono ke beech mein aana chahiye. Wo nahi aa raha. To tumhe yahan pe hai ki agar main perpendicular isko le leta hoon, are haan yaar, ye to perpendicular aa gaya. To parallel kahan ki taraf hoga? Are parallel us taraf jayega hi nahi. क्यों नहीं जाएगा क्योंकि सर ने बोला कि डब्ल्यू दोनों के बीच में होना चाहिए तो पैरेलल हमारा इस तरफ है अरे हाँ सर ये पैरेलल हो गया नाउ हमें कंपोनेंट्स चाहिए तो हो गया ना कंपोनेंट्स सर ये डब्ल्यू है ये 60 है सर ये पूरा 90 हो गया तो ये तो 30 डिग्री आ गया है ना ये पूरा 90 30 आया तो डब्ल्यू का ये क्या होगा डब्ल्यू cos 30 और ये होगा डब्ल्यू sin 30 नाउ कैन आई से नाउ इट बिकम्स मोर इजीियर टू क्रैक इट अच्छा मतलब सर Wait a minute. You are trying to explain me again what you have understood. No, it doesn't matter. Wait a minute. Shubham, sir, BC is perpendicular and AB is horizontal. Yes, BC is perpendicular to the slope and AB is horizontal. I told you, Soham, now can you see why this angle is 30? शुभम ये 30 डिग्री कैसे आए पता चला अभी इसी के लिए तो मैंने पॉइंट मास ले लिया तुम्हारा क्वेश्चन ये था कि यहाँ पे 30 कैसे आए इसको मैंने प्रूफ किया ना भाई देखना ये परपेंडिकुलर है तो ये पूरा ब्लोइंग 90 हो गया ये पूरा 90 है 90 में से अगर तू 60 निकालेगा तो बचेगा कितना 30 शुभम इज इट क्लियर विथ यू ओके सर ओके गॉट इट या सो दैट्स व्हाई वेंट एनी स्टूडेंट्स मेनी स्टूडेंट्स को यही क्वेरी होती है सबसे पहले स्टूडेंट्स की यहाँ पे दो इम्पोर्टेंट क्वेरी क्या होती है ये सारी क्वेरीज क्यों होती है मालूम है सबसे पहले उनको यही नहीं पता होता है कि वेट को कैसे ड्रॉ करें जो नाइन्थ और टेंथ में पढ़ा हुआ है हमेशा स्टूडेंट्स वेट शुड बी ऑलवेज वर्टिकल डाउनवर्ड नॉट परपेंडिकुलरली अभी देखो इसी को मैं चेंज करता हूँ स्टूडेंट्स इसी को मैं चेंज करता हूँ चलो मैंने तुम्हें तुम्हारे घर के अंदर स्टूडेंट्स एक वॉल है ओके ये वॉल है वर्टिकल वॉल है और तुम्हारे घर के अंदर ये एसी फिक्स किया गया है अभी मुझे बताओ स्टूडेंट्स इसका वेट किस तरफ होगा वर्टिकली डाउनवर्ड्स ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड्स डायरेक्टली टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ अगर मैंने इंक्लाइन प्लेन दिया है इंक्लाइन प्लेन के ऊपर अगर सपोज तुम खंडाला के घाट पे जा रहे हो और ये तुम्हारी गाड़ी है जो घाट की तरफ ऊपर जा रही है फिर भी मैंने पूछा इस गाड़ी का वेट कहां की तरफ जाएगा तो सीधा सेंटर ऑफ ग्रेविटी से नीचे लेना वर्टिकली डाउनवर्ड्स सीधा वर्टिकली डाउनवर्ड्स ही लेना अगर मैं खड़ा हूं तो इज अ वेट एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स अगर तुम मुझे अगर सपोज मैं यहां पे इसी मैं सोचो कि मैं माउंटेन पे चल रहा हूं तो माउंटेन पे चढ़ने के टाइम पे मैं आगे झुकूंगा मैं तो मैं गिर जाऊंगा लेकिन मेरा वेट किस तरफ होगा वर्टिकल डाउनवर्ड ही होगा यानी अगर ये पता चल गया फिर दूसरी बात क्या आती है पैरेलल परपेंडिकुलर स्लोप तो सबसे पहले हमेशा परपेंडिकुलर के लिए चले जाओ तो पैरेलल फिर ढूंढना इजी हो जाएगा क्योंकि ये वेक्टर दोनों के बीच में आना चाहिए तो मेरा यही आएगा फिर एंगल निकालना है एंगल कैसे निकालोगे डोंट ड्रॉ द डायग्राम ऑफ अ कार डोंट ड्रॉ द डायग्राम ऑफ अ ब्लॉक डोंट ड्रॉ द डायग्राम ऑफ अ मैन टेक मैन ब्लॉक कार एज पॉइंट मास एंड देन कंस्ट्रक्ट अ डायग्राम एंड दिस इज सिंपल ज्योमेट्री ऑफ क्लास 7th 8th एंड 9th क्या क्लियर हुआ स्टूडेंट्स यस सर अंडरस्टूड यस सर ओके समबडी पुट द मैग्नीट्यूड वेट अ मिनट उपेंद्र बट आई डिडंट गिव यू द वेट ऑफ द पर्सन ना डिड आई गिव यू द वेट ऑफ द बॉडी सर 10 न्यूटन्स
You gave 10 newtons, sir. You gave 10 newtons. Oh, very good. Very, very correct. Very correct. See, Upendra is the one who is the correct way. Any pura problem solved. Yeah, Abhidhiko, let us find a component. Okay, very good, Upendra. Okay, fine. If you have 10 newtons, then what's your final answer? What will happen? What will happen? This will be 10. What is the cost of 30? Root 3 by 2. And this will be answer 5 root 3. 5 root 3. What is root 3, students? 1.732. So multiply with that. So 75 is 85. Okay, so 5 into 1.732. That means you can. This counter kya hoga? So weight is given to us how much? 10 newton. 5 newton. And that means 5 newton. Clear? Now, listen carefully. Yani, this was point B. ये एक वेक्टर है, दोनों के बीच में एंगल 90 है, इसका मैग्नीट्यूड कितना मिला मुझे 5 न्यूटन, इसका मैग्नीट्यूड मुझे कितना मिला 5 रूट 3 न्यूटन, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है 90, क्या ये दोनों वेक्टर है? हाँ सर, ये दोनों वेक्टर है, आधे म्यूचुअली परपेंडिकुलर, म्यूचुअल वेक्टर, तो इनका रिजल्टेंट क्या आना चाहिए? 10 न्यूटन ही आएगा. और अगर तुम्हें तुम्हें ट्राइंगल लॉ से ड्रॉ करना है तो शिफ्ट दिस वेक्टर पैरेलल विद इट, अगेन रेक्टेंगल, टेल हेड, रिजल्टेंट कहां से कहां जाएगा? टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर टू द हेड ऑफ द सेकंड वेक्टर, ये तुम्हारा रिजल्टेंट आ गया. तुम्हारा रिजल्टेंट डायरेक्शन पता चल गया किस तरफ है. दिस इज हाउ इट इज. वही अगर तुम्हें इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, the students, all those new students who are joined in, kaise nikaloge? Sir, use parallelogram law of vector addition. Kaise nikaloge magnitude? Sir, w will be equal to under root. Aapne bola tha a square plus b square plus 2ab and the angle from between them is 90 degree. So a square plus b square plus 2 into a into 5 root 3. What is the angle cos of 90? What is cos of 90? Zero. ये पूरा zero हो जाएगा. तो बचा क्या? Under root 5 square is how much? 25. 5 square is 25. Root 3 square is 3. 25 3 is 75. What is 75 plus 25? 100. What is root of 100? 10. Am I getting the same question? Is this clear, students? यानी रेजोल्यूशन अभी पता चला, अ गिवन वेक्टर यू कैन रिजॉल्व इनटू टू वेक्टर्स बट दे शुड बी ऑलवेज म्यूचुअली परपेंडिकुलर एंड इफ दोस टू वेक्टर्स व्हेन आई रीकंबाइन एम आई गेटिंग माय ओरिजिनल वेक्टर. यस, इज दिस क्लियर विद एवरीबॉडी नाउ? यस सर. कैन आई इरेज दिस नाउ? यस सर. ओके, MIU students, written is remembered, not written is not remembered. Those students who are wise enough, smart enough, they know it. They will instantly say yes, sir, because they want to move ahead. मैं भी वैसे ही था, मुझे आगे बढ़ना है, थोड़ा सा और आगे बढ़ना है करके. लेकिन इफ इनकी सुलफी लगा कि नहीं मुझे लिखना है तो बिंदास बोलो सर वेट अ मिनट आई लेट मी कॉपी, लेकिन उसका तुरंत बोलो कि हो गया होगा तो मैं बोलना चाहिए कि सर डन इरेज इट, बिकॉज फॉर मी ऑल स्टूडेंट्स आर इक्वल. Okay, one more question, students. Listen carefully. The magnitude of vector A is 10 units.
magnitude of vector A, vector A is given to you students, ये vector A है, उसका magnitude ऐसे लिखता हूँ मैं, magnitude of vector A is 10 units students, and it makes an angle of 30 degrees. Vector A makes angle of 30 degrees with the x-axis. With x-axis. That means I'll consider positive x-axis only. Pucha gaya hai, find the components. Find the components of vector if it lies in the xy plane. Find the components of vector if it lies in xy plane. Hope the question is clear. Nishant and Smith, both of them have raised a hand. Vector A has a magnitude of 10 newtons. Upendra has got the answer also. And this vector makes an angle of 30 degrees with the x-axis. Find the component of vector A if it lies in xy plane. Partha has also got the answer. Very good. Okay, I'll give a chance now. The new students were dominating in that case. Let me give a chance to Smith. Smith, answer. So components of vector A. So we will Ax is equal to 10 cos 30. Okay. And AY, so it will be 10 sine 30 degree. Absolutely. And so in the AZ, it will be 0. Okay. Now listen carefully, students. Ye pucha hai, vector A diya hai, and magnitude 10 units hai. It makes an angle of 30 degrees with the x-axis. Yani students, agar main sabse pehle tum, you try to draw xy plane na. Yani tumhara ye x-axis hai, y-axis hai. Mujhe ye batao, students, agar main iske yahan pe z-axis dikhaunga, to how is z-axis, students? How is the z-axis is going to be? Anybody? Sir, it will be like coming out of the whiteboard. Yes, perpendicular. Students, ye jo reading hai na, ye z-axis hoga. Agreed? Ye z-axis hoga. Yani ye tumhara x hai, ye y hai, ye positive z. Negative z andar ki taraf. Now, when you careful look into it, they've given to students that vector A is 10 units. That means this vector A is 10 units and it makes an angle of 30 degrees. Magnitude of vector A is equal to 10 units. It makes an angle of 30 degrees with what? With x-axis. The question asks is find the components of the vector if it lies in an xy plane. Students, tell me, is this vector A lying in an xy plane? Yes, sir. Where exactly? I have drawn the diagram. Students, ye to maine axis draw kiya. Agar main nahi draw bhi karta, to kya main isko bol sakta hun xy plane? Why not? A whiteboard is a plane. A whiteboard is a plane. Ye vector maine ye plane pe draw kiya. Dance to na whiteboard pe draw kiya. Abhi dance, look at my pen. Look at my pen. It's placed on a whiteboard. Suppose agar maine ye pen ko hawa mein le liya aur agar maine abhi hawa mein rakh diya, so now can I say is it an xy plane? Nahi sir, aapne hawa mein le liya. Dekho tumhare diagram merge ho raha hai point se. Ye origin hi dikhai de raha hai. Ye origin dikhai de raha na. यानी व्हाट हैपेंस, ये पूरा एक्सिस बाहर आ गया मेरा बोर्ड से. अरे सर, ये तो थ्री डायमेंशनल हो गया. यानी इट इज इन थ्री डायमेंशनल एक्स वाई एंड जेड, और जेड इज हमेशा परपेंडिकुलर. तो ये प्लेन में है. तो स्टूडेंट्स, फॉर मी माय व्हाइट बोर्ड इज अ प्लेन. यू व्हेन सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम, वेयर आर यू गोइंग टू? यू मस्ट बी हैविंग अ बुक इन फ्रंट ऑफ यू. यू मस्ट बी हैविंग अ पेन इन फ्रंट ऑफ यू. यू मस्ट बी ड्रॉइंग अ डायग्राम ऑन अ पीस ऑफ पेपर. व्हाट इज अ पीस ऑफ पेपर? इज अ प्लेन. अ पीस ऑफ पेपर इज एन एक्स वाई प्लेन. सो इट्स एन एक्स वाई प्लेन. This is x-axis, this is x-complement, this is y-axis, this is y-complement, this is origin, having coordinate 0, 0. Now, if I consider what are the components of A, so what exactly is it? Smith, that is, if I have for its component, one component is along the horizontal, and that's equal to what? So that is Ax, A, which will be A cos 30. Agreed? If I want the magnitude part of it, then A cos theta is the magnitude. Pucha kya hai? Components of vector lies in the x one. So component I can consider A cos theta along x-axis. A magnitude hai. So what exactly A cos theta ka answer kya hoga? Then A cos theta ka answer mera hoga 10. What is cos of 30, students?
root 3 upon 2. What's my answer? 5 root 3. So can I say this is 5 root 3 I cap unit? Is this clear, students? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Not the 5 root 3 answer. Okay, this is 5 root 3 unit. Now, if I happen to go for vertical, so the vertical, if you draw karo na, students, so exactly a rectangle is itna hi length ka karna. तुम जब भी ऐसे सीखोगे ना स्टूडेंट्स तो तुम्हें फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग में प्रॉब्लम नहीं आएगी. अगर मैं कंपोनेंट निकालूंगा तो देखो ये लंबा आ गया क्योंकि एरो यहाँ पे अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा तो यहाँ तक आएगा, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा तो यहाँ पे आएगा. इसको बहुत लंबा मत बता देना. सो दिस इज हाउ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड. ये तुम्हारा वर्टिकल कंपोनेंट तो एग्जैक्टली सर ये होगा तुम्हारा ए वाई. व्हाट एग्जैक्टली ए वाई साइन थीटा जे कैप दैट इज इक्वल टू व्हाट ए वाई इज गोइंग टू हाउ मच 10. What is sine of 30? Half. What's the answer? 5 j cap. 5 j cap. Agreed. Now, suppose if I ask you, is there any component along z axis? No, sir. No. No, sir. Because my vector is in an xy plane. So, that means vector A. In a vector A has no component along. अगर किसी ने पूछा रीजन क्या, बिकॉज इट्स गिवन इन विच प्लेन, एक्स वाई प्लेन, एंड दैट इज टू डायमेंशनल. मतलब सर, अनलेस दे हैव गिवन यू दैट इट्स एन एक्स वाई जेड प्लेन, अज्यूम दैट इट्स एन एक्स वाई प्लेन ओनली. या इट कैन बी एक्स वाई. अगर तुम्हें टू डायमेंशनल बोला है या प्लेन बोला तो एक्स वाई भी नहीं ले सकते, तुम वाई जेड भी ले सकते हो, जेड एक्स भी ले, लेकिन दो प्लेन, दो एक्सिस होने चाहिए. वो दो एक्सिस If I student see that, अगर मैं सिर्फ लिखू x और y और z, इसको बोलते हैं वन डायमेंशन. लेकिन अगर मैं लिखू एक्स वाई और वाई जेड और जेड एक्स तो ये हो जाएगा टू डायमेंशन. लेकिन अगर मैं एक्स वाई जेड तीनों को लिख दो तो ये होगा थ्री डायमेंशन. तो ये टू डायमेंशनल इज कंसिडर्ड टू बी एज अ प्लेन, वन डायमेंशनल इज कंसिडर्ड टू बी एज अ स्ट्रेट पाथ, स्ट्रेट लाइन. थ्री डायमेंशनल भी कंसिडर इज स्पेस. समझ में आ रहा है? अ वेक्टर, अगर उन्होंने बोला अ वेक्टर इन अ गिवन स्पेस, उसका मतलब क्या थ्री डायमेंशनल में. अगर मैंने बोला अ वेक्टर इन अ गिवन प्लेन, उसका मतलब टू डायमेंशनल. वो टू डायमेंशनल कोई भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है टू डायमेंशनल. किसी एक स्टूडेंट को लेना है एक्स वाई में, कोई दूसरा वाई जेड में लेगा, कोई तीसरा जेड एक्स में लेगा, आंसर सबका सेम आएगा, लेकिन एक्सिस अलग अलग होगा. मैंने बोला ना रेफरेंस फ्रेम अलग है, ऑब्जर्वर का फ्रेम ऑफ रेफरेंस अलग है, लेकिन यहाँ पे ऑब्जर्वर का फ्रेम ऑफ रेफरेंस अलग हो ही नहीं सकता. क्यों नहीं? क्योंकि तुम्हारे पे जबरदस्ती थोपा गया है कि भाई एक्स वाई प्लेन में ही है, तो तुम वाई जेड और जेड एक्स के बारे में सोचना ही नहीं है. समझ में आ रहा है? जब प्रॉब्लम के अंदर एक्स वाई दे दे तो तुम क्यों वाई जेड और जेड एक्स को पकड़ोगे? नहीं पकड़ोगे. लेकिन अगर नहीं दिया है और सिर्फ प्लेन बोला है तो थ्री डिफरेंट स्टूडेंट्स हैव थ्री डिफरेंट अप्रोच, मींस आई कैन हैव थ्री डिफरेंट आंसर्स. दैट इज व्हाई इन जेईई एंड एडवांस यू हैव क्वेश्चंस ऑफ मल्टीपल मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट. समझ में आ रहा है? मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट, एक ऑप्शन से ज्यादा भी हो सकते हैं पॉसिबल. क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट सबको? Any students, purpose, अगर मैं ये प्रॉब्लम देता हूँ इतना बता देता हूँ तो ये तो अगर इफ आई सी द नंबर ऑफ स्ट्रेंथ देयर आर 43 बिकॉज पीपल एट द एंड ऑफ इट दे ट्राई टू रिड्यूस 42 इज इट नंबर ऑफ स्ट्रेंथ. तो अगर मुझे पर्पस ये समझाना होता तो 42 में से मेरे हिसाब से शायद 32 स्टूडेंट्स को तो ये आता था, ये दोनों आता था कि चलो इसका. लेकिन इसके अलावा कुछ और बातें करनी जरूरी होती है न्यूमेरिकल में जो तुम्हें ये पूछा नहीं गया है लेकिन तुम्हें बताना जरूरी है. अगर मैं ये सब नहीं बताऊं देन डायरेक्टली तुम्हें बोलो प्रॉब्लम सॉल्व करो तो यू विल बी लैकिंग इन कॉन्फिडेंस. लेकिन कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं जो यहाँ पे ध्यान से सुनते नहीं है, वापस इसको अच्छी तरह से रिवाइज नहीं करेंगे, फिर वो रिकॉर्डेड लेक्चर्स के ऊपर डिपेंडेंट हो गए, फिर बोलेंगे मुझे वो भी समझ में नहीं आ रहा है, पाइल अप होता गया. और फिर जब होमवर्क देते हैं मामा द चैप्टर इज वेरी टफ, मामा नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द चैप्टर, व्हाट शैल आई डू मामा, आई एम नॉट एबल टू गेट इट, देन द रीजंस कम आउट विद इट. सो दैट्स व्हाई आई टेल यू स्टूडेंट्स, व्हेनेवर आई एम एक्सप्लेनिंग यू एंड इफ आई पॉज माय सेल्फ, आस्क इज दैट क्लियर. तुम तुम्हारे डाउट्स क्लियर करोगे वो तुम्हारे लिए अच्छा होगा. डोंट जस्ट टेक इट फर्दर अहेड लाइक दैट.
क्या मैं इसको इरेज कर सकता हूँ स्टूडेंट्स? यस सर, यस यस। Please, all the new students, are you getting new students? Students who are new, joined. Can you unmute yourself? Can you tell me, are you understanding? Yes. Okay, they're posting it. Students, when, what about Jason, you? Yes, sir. Getting it? Yes, sir. Arthur is getting it. Preeti, what about you, Preeti? Are you getting it? For some students, Shubham and all. Preeti, are you there? Can you get it? Are you getting it? Not responding. Prajwal, Pratham. Prajwal, yes. Pratham, are you getting it? Yes, sir. Okay, fine. Pravin also said it, yes. Arman also said it, yes. Fine. Okay, students. So this was the part which I said it about it. Okay, just last 3 minutes is left. Okay, एक मैं rectangular coordinates के बारे में बोलता हूँ. ध्यान से सुनना. Last lecture में जब एक घंटे का lecture था तभी मैंने बोला था. Okay, a person is walking along the road 10 kilometers, cycling along the road, then went to the river through a boat perpendicularly, and then helicopter ride ले लिया. यानी एक गया x-axis पे पहले, फिर वो वाई एक्सिस पे चला गया, फिर वो परपेंडिकुलर चला गया. यानी ये तीनों क्या होगा, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे, है ना. व्हेनेवर आई गिव यू म्यूचुअली परपेंडिकुलर, हाउ टू फाइंड आउट द रिजल्टेंट ऑफ दोस, तो वो क्या होगा मालूम है? दोस आर रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर, नॉट इन टू रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन थ्री. In three, mutually perpendicular. Resolution of vector into three mutually perpendicular components. That means called as three orthogonal vectors. ये जो components हैं उसको मैं बोलूँगा three orthogonal vectors. यानी यहाँ पे resolution of vector into three होगा. पहले किस में two था, अब ये three आ गया. यानी अगर मुझे कोई एक वेक्टर ए दिया है स्टूडेंट्स, तो इसको मैं दो में अभी नहीं करूंगा, अभी तीन में करूंगा. यानी एक ए एक्स होगा, दूसरा ए वाई तो होगा, है ना, ये दोनों परपेंडिकुलर है. तीसरा कहां पे होगा? बोर्ड से बाहर आ रहा है. सर, बोर्ड से जो बाहर आ रहा है उसको तुम ड्रॉ कैसे करोगे? बोर्ड से जो बाहर आ रहा है उसको टीचर ड्रॉ कैसे करता है बोर्ड के अंदर, ऐसे बताएगा. यानी अगर मैं ये दिखा दूं तो उसका मतलब तुम्हें ये समझना है कि भाई बाहर आ रहा है. यानी देखो, वेक्टर मुझे दिया था ए, लेकिन इसको मैंने रिजॉल्व किया है इनटू थ्री वेक्टर्स एंड ऑल थ्री आर दे म्यूचुअली परपेंडिकुलर. हाँ सर, ये तो एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस की है, और ये जेड एक्सिस है. एंड आई वाई एंड जेड आर दे म्यूचुअली परपेंडिकुलर. यस, इज दिस क्लियर. This is what we are going to pick it up in the next lecture. Okay, students? Resolution of vector into three orthogonal vectors mutually perpendicular to each other we consider. Okay, iska hum magnitude find out karenge and direction of the resultant also will find out. Okay, so we wind up the session right now. Okay, next lecture will be continuing further. Lekin please, students, jo bhi students hai,